पेपल अकाउंट बना लिए सब और पेपल डॉट मी हाँ तो डालना एक बार कौन कौन पेपल बनाया बस इतने वो देख लेंगे लेकिन पेपल अकाउंट कौन कौन बनाया बिजनेस के इंडिविजुअल बिजनेस और उधर के बाकी सब मौलाना ठीक है किसी और के पास अभी वो है पैन कार्ड और वो सब जो बनाने के लिए लगते हैं एक बार और बस बना के आगे बढ़ जाएंगे जो नहीं बनाए उनके लिए है अभी अवेलेबल या फोन में भी है दो तीन लोगों को बोले थे ना लाने का इसलिए मैं दो तीन लोगों को बोले कम से कम दो या तीन लोग तो लेके आ जाने मैसेज ये डाला था तीन चार लोग लेकर आए इसीलिए कि एक ना लाए तो दूसरा दूसरे का अवेलेबल बिल्कुल तो है कि नहीं अभी किसी के पास मैं सबका बना हुआ है तो इसके लिए फिर वो ट्राई भी नहीं कर सकते ना उसको जिनके नहीं बने हो बन जाता हूँ बिल्कुल नहीं यार इतना क्या गरज रहना चाहिए ना यार थोड़ा हम लोग थोड़ी सब करेंगे ठीक है उसको छोड़ देते हैं तो आज काम शुरू होने के बाद जो बातचीत करेंगे मैसेजेस में कुछ बताए हैं क्या क्या बताए मैसेजेस के अंदर कोई मैसेजेस के रिगार्डिंग कोई बात अच्छा तो मैसेजेस के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो पर्सनल क्रेडेंशियल हो नाम के अलावा जैसे नंबर हो गया या ईमेल हो गया और कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ये सब वो नहीं मांगा जा सकता जैसे यहाँ पे मैं अगर ईमेल लिखूंगा तो नीचे क्या आ गया टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस जैसे कल मैंने बताया था कि अगर सर्विस के अंदर नीडेड है तो ही मैं कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ अदरवाइज अगर मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये चैट मेरी टर्मिनेट हो जाएगी उसके बाद फाइवर का जो कोई भी एम्प्लॉय रहेगा वो पूरी चैट पढ़ेगा कि ये सर्विस का हिस्सा था कि नहीं था और अगर नहीं था तो एक जीमेल आएगा उसके अंदर लिखा रहेगा कि 90 दिन के लिए आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया ये पॉलिसी वॉइड करने के लिए अगर न्यू सेलर है तो अगर लेवल वन लेवल टू या टॉप रेटेड है तो उसको एक वार्निंग देकर छोड़ दी जाएगी ठीक है हाँ स्टार्ट है ठीक है तो कोई भी पर्सनल क्रेडेंशियल यहाँ पर शेयर करना और मांगना दोनों अलाउड नहीं है क्योंकि अगर यहाँ से शेयर करें और बाहर कहीं आउटसाइड पावर चले गए तो जो फाइवर का 20% है वो कट हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ मतलब मांग भी नहीं सकते शेयर भी नहीं कर सकते और उसके अलावा रिस्पांस रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक क्विक रिस्पांस का ऑप्शन रहता है यहाँ पर मतलब हम जो भी मैसेज एक बनाएंगे एक टेम्पलेट टाइप बनाकर रख सकते हैं ताकि बार बार जो टाइप ना करना पड़े जैसे एक नया बना के देख लेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस पर जैसे रहता है कि बार बार ऑटोमेट ना मतलब बार बार मैनुअली टाइप ना करना पड़े एक बार ऑटोमेट करके रख दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैं बना लूंगा ग्रीटिंग्स करके ग्रीटिंग्स और यहाँ पर नीचे दिया कि करली ब्रैकेट के अंदर यूजर नेम अगर लिखेंगे तो जिस बंदे से भी बात करेंगे उसका नाम ऑटोमेटिकली वो करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यूजर नेम के अंदर ठीक है तो एक बना के देख लेंगे ताकि समझ में आ जाए वो ग्रीटिंग्स जैसे हाय मैं आप लिखूंगा यूजर नेम तो वो लिखेगा हाय नोमान अली सी एच जो भी है ये वो पावर ऐसे लिखेगा ठीक है अब हाउ कैन आई हेल्प यू ठीक है अब मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको अब जब जब कोई से बात होगी या फिर शुरुआत में हाय हेलो कुछ भी करेगा तो मैं पूरा मैनुअली टाइप ना करती हूँ उसका नाम क्योंकि नाम फिर बार बार लिखना पड़ेगा हाय हेलो ये जो भी है नाम फिर पूरा नाम लिखना फिर उसका हाउ मे हेल्प यू जो भी हमारा मकसद हो लिखने का तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा जो मेरा मैसेज होगा जैसे ग्रीटिंग का बनाया था जैसे लिखूंगा यहाँ पर क्या आ गया यूजर नेम भी जाएगा उसका यूजर नेम जो था वो आ जाएगा ठीक है तो
जो क्विक रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैनुअली टाइप करने में टाइम पास होता है, अगर ऑलरेडी एक दो घंटा लेट देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स रेट और ज्यादा असर पड़ता है उसके ऊपर। और उसके बाद फाइल्स का ऑप्शन है, जैसे रिस्पॉन्स रेट का क्विक मैसेजेस आप बना बना के चेक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल का आप जवाब ऑलरेडी अपने पास रखें, ताकि रिस्पॉन्स रेट कम ना हो। और उसके बाद फाइल शेयरिंग का ऑप्शन है, जो कि 5 GB तक क्या फाइल उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जो बायर है आपका, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर अगर .ar फाइल है, .cdr फाइल है, जो भी बड़ी बड़ी फाइल है 5 GB तक के फाइल यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और फाइल शेयरिंग के ताल्लुक से अगर 5 GB से बड़ी फाइल है तो उसको अपने गूगल ड्राइव पर डालकर ड्राइव की लिंक भी शेयर कर जा सकती है, उसके अलावा कोई लिंक नहीं शेयर करी जा सकती है, लेकिन जो गूगल ड्राइव है उसकी लिंक शेयर करी जा सकती है फाइवर पे। बस इतना ध्यान देना है कि उसके बाद कुछ भी ऐसा मैसेज कि एरर इज योर फाइल या एरर इज माय सर्विस, ताकि फाइवर का जो एम्प्लॉय पढ़े चैट तो उसके अंदर उसको वो लिंक पर क्लिक करके जाना ना पड़े फाइल के पास, वो समझ जाए कि हाँ ये वो जो फाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फाइल से, ठीक है। और उसके बाद जूम का यहाँ पर आइकन बना हुआ है, मतलब कुछ ऐसे सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी स्क्रीन शो करना है या फिर बस यूजुअली बात करना है, कैजुअल मीटिंग करना है, तो आउटसाइड ऑफ फाइवर ना जाते हुए यहाँ पर जूम स्टार्ट कर, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो एक जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक जूम मीटिंग स्टार्ट हो गई, अगर मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगर सामने वाला बंदा भी ऑनलाइन रहेगा ज्वाइन कर लेगा, तो हम लोग एक जूम मीटिंग के अंदर आ जाएंगे और ये इन साइड ऑफ फाइवर ही रहते हुए रहता, मतलब फाइवर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीन देख भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो सामने वाला बंदा ऑनलाइन है तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हम लोग, ठीक है। ये किसका अकाउंट नहीं, नहीं उनका खोलेंगे तो उनका इससे उससे बात करें तो रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएंगे, अच्छा है ना, तो उनका रहेगा तो फिर नहीं रहने दो, चलो ठीक है। यहाँ पे जूम में मतलब आ सकते हैं उसके साथ, और दो मिनट, और फाइवर के ताल्लुक से एक वेबसाइट भी है जो कि अभी 2-3 दिन से डाउन चल रही है, मैं कल ही सोच रहा था बताने का, जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी से होती है, फाइवलिटिक्स करके वेबसाइट है, अगर आप लोग 2-3 दिन बाद चेक करें, अभी शाम में मैंने चेक की लेकिन ये वेबसाइट अभी भी डाउन चल रही है। इसके अंदर जो हमारी गिग की रैंकिंग है और कीवर्ड्स है ये बहुत अच्छे सर्च होते हैं, मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से पता नहीं क्यों डाउन चल रही है, जैसे अभी भी चेक करके देख लेते हैं। जो कुछ भी हमारा कीवर्ड ये फ्रंट पर जैसी वेबसाइट पर आएंगे, फाइवलिटिक्स नाम है वेबसाइट का, यहाँ पर हमारे गिग की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं, और लास्ट में एकदम जाएंगे तो यहाँ पर फ्री कीवर्ड एनालिटिक्स है, मतलब ये कीवर्ड कितनी बार यूज किया है फाइवर ने, किस किस ने यूज किया है, कौन कौन सी कंट्री से यूज किया है, कितने परसेंट लोगों ने यूज किया है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। चेक कर लेते हैं, मैं 2-3 दिन से चेक कर रहा हूँ लेकिन ये डाउन चल रही है, जैसे फेसबुक ही देख ही लें, अभी भी डाउन है ये, तकरीबन ये 31 या 1 अगस्त से डाउन चल रही है, नहीं तो ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग, तो ये सर ये जो वेबसाइट है इसको नोट करके रख लो, जब भी ये दोबारा लाइव हो जाएगी तो ये बहुत काम की चीज है, मतलब जो मैनुअली इतना डेटा सर्च करना पड़ता है कौन कितना काम कर रहा है, कितने रुपये में काम कर रहा है, कितने डॉलर में काम कर रहा है, कन्वर्जन रेट क्या है उसका, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वालेकुम अस्सलाम, फाइवलेटिक्स नाम है इसका, गिग रैंकिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वो चल रहे है गिग रैंकिंग, ठीक है। कोई का यूजर नेम बोल देना, बोल तो जो गिग कौन कौन पब्लिश किया है यहाँ पर, अभी कितने लोगों ने किया अभी तक गिग पब्लिश, 1, 2, 3, 4, 5 बस 5 किए कि नहीं, ठीक है सिर्फ इतने ही लोगों ने किया कि नहीं, ऐसा तो बाकी सब तैयार है मतलब, ठीक है। यूजर नेम बोल दो कोई, क्या है सालिक ANWAR अनवर, ठीक है। टारगेटेड कीवर्ड क्या है, बीबी 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 डॉट नेट, सॉरी विजुअल बेसिक बोल रहा ओके यार ये वाला भी डाउन चल रहा है, ये बस इसको नोट कर रख लो जब भी ऐप होगा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और एक इसके अलावा एक और वेबसाइट थी गिग मेट्रिक करके,
गीक मैट्रिक टूल्स फॉर फाइवर सेलर्स, देखो पहले ऑलरेडी दे रहा है यहाँ पे टूल्स फॉर फाइवर सेलर। ये मेरे ख्याल से अब पेड हो गई है, बहुत दिन से मैंने देखी नहीं इसकी। गेट स्टार्टेड नाउ, प्रीमियम में कुछ है देख ली यहाँ पर क्या क्या है। गीक एनालाइजर, गेट यूर गीक एनालाइज बाय आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट हु विल वर्क विद यू इंप्रूव यूर गीक एंड गेट मोर सेल्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी हम देख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं अभी तक। गिग रैंकिंग में चेक होती थी, इसके अंदर गिग की जो इमेज है हम यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे तो इसके पास एक एआई है, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका, जो कि खुद ब खुद उसकी जो गिग इमेज है वो क्रिएट करके दे देता था। तो अपने को बहुत ज्यादा काम इसके अंदर नहीं करना पड़ता था और अब रिजोल्यूशन भी उसके हिसाब से सेट कर देता था, मतलब जितना हाई सेट उतना हाई करके देता था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर गिग स्वैपर, गिग रैंकिंग ये सब नहीं देखता, गेट स्टार्टेड देख तो ले पहले प्राइसिंग की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि अभी पेड कर दिया है। फ्री ओके, फ्री है क्या है, 5 डेज का फ्री ट्रायल है सिर्फ, किसी को ट्राई करना है ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर जब ऑर्डर आना शुरू हो जाए तो $5 एक महीने कम नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फ्री ट्रायल एक बार देख लेते हैं काम कैसे करता था, ठीक है। यूजर ने सालिक जकी, तेरा यूज कर रहा हूँ ईमेल बोल, सालिक जकी 67 gmail.com, ठीक है। तो ही वाला पासवर्ड रजिस्टर डॉट सेव, ठीक है। गीग एनालाइजर, ठीक है, गीग इमेज जुड़ा गीग लिस्टेड मोमेंट, सॉरी क्या था यहाँ पर, ओवर यू सबमिट अ गिग, ओके सबमिट अ गिग गिग्स, ओके। मेन कीवर्ड क्या है इसमें, क्रिएट अ फेसबुक सिर्फ ले लेते हैं, फेसबुक फेसबुक, ठीक है। सबमिट अ गिग अनेबल टू, प्लीज चेक योर यूआरएल, प्लीज यूआरएल शेयर किया हुआ डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं डायरेक्ट कॉल देख लेते हैं, नहीं मैं जो सेलर ये वाला भेजा ना वो गिग ओपन होगी, नहीं नहीं यहाँ शेयर किया था ना, यहाँ से शेयर किया, ये शेयर के ऊपर गए कॉपी लिंक करें, अब ये लिंक पेस्ट करके जो पेज खुलेगा उसका ही बारे, ओके एक बार देख लेते हैं इसको, सिंपल पेस्ट करें, ठीक है ये यूआरएल देख लेते हैं, ये यूआरएल कॉपी। वेबसाइट्स तो ऐसे बहुत ढेर है, सबको एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक साथ, मतलब अब ये क्यों नहीं यूआरएल ले रहा पता नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत यूज किया था गिग मैट्रिक्स मगर अभी पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, एक फाइबलेटिक्स गिग मैट्रिक्स ये यूज करता था मैं, ठीक है। तो देख लेना ये वेबसाइट भी, और मेन तो पेपैल डॉट मी बताना था, पेपैल डॉट मी कैसे बनाते हैं, तो वो तो तकरीबन चार पांच ही लोग तो पेपैल अकाउंट बनाया है, क्या बताना हो पेपैल डॉट मी का यूपीआई आईडी का क्या यूज है, ये चाहिए आधार कार्ड पैन कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और बैंक डिटेल्स, हाँ पैन नंबर चाहिए और पासबुक और डेबिट कार्ड बस, ठीक है चलो ट्राई कर लो, ठीक है। ठीक है नहीं रुको ना फिर साइन अप, तो रिन्यू कराना पड़ता है ना उसको, तो पेपर डॉट पे में यही आता है, लेकिन यूपीआई आईडी क्या काम है वैसे, यूपीआई आईडी जो अपने इंडिया में चलती है उसका क्या काम है, यूपीआई आईडी कितने लोग यूज करते हैं, तो क्या यूज है उसका वो पूछ रहा हूँ, पेमेंट लेन देन तो सब बैंक अकाउंट से भी होती है, मोबाइल नंबर से भी होती है, यूपीआई से भी, उसका बेनिफिट क्या है, बिल्कुल। तो विदाउट अपना ईमेल आईडी दिए पेपैल डॉट मी सिर्फ दे देंगे तो उससे भी काम हो जाएगा, ईमेल ईमेल आईडी ना देते हुए सिर्फ पेपैल डॉट मी स्लैश जो भी अपना यूजर नेम है जो भी है
तो ये यूपीआई आईडी है, पेपाल का यूपीआई आईडी है ये। नहीं फाइवर पे कनेक्ट करने के टाइम सिर्फ अब जब पेपाल पे क्लिक, जैसे यहाँ पर जब फाइवर पर अर्निंग में जब पैसे आ जाएंगे तो जब यहाँ पर पेपाल अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक बार यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा एक बार फाइवर बस सेव करने के लिए। अब जब जब उसके बाद विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ही अपने पेपाल में ले लेगा फाइवर, ठीक है। और फाइवर पर से निकालना पैसा, फाइवर के पास अपना खुद का एक वॉलेट रहता है, मतलब वहां का छोड़ भी देंगे तो रहेगा पैसा, मतलब वहां से बार बार निकालना जरूरी नहीं है। अगर डॉलर को वहां रखना है क्योंकि डॉलर की प्राइस कम ज्यादा होती है इंडियन रुपीज में, तो अगर ज्यादा ही रखना है तो वहां पर वॉलेट में छोड़ भी सकते हैं। पेपाल पे ये नहीं कर सकते, पेपाल पे डायरेक्ट सिर्फ ट्रांजेक्ट होता है, अकाउंट में आता है, अकाउंट से चले जाते हैं, वहां पर रोक नहीं सकते हैं पैसे को। अगर रोक के रखना है तो फिर फाइवर का जो वॉलेट है वो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो सिक्योर भी है और वहां पर रहेगा भी पैसा। जितने दिन तक रखना है रख सकते हैं। बैंक अकाउंट है समझ लो, बस 90 दिन तक एक एक वार्निंग आता, वार्निंग होता है, एक मैसेज आते रहता है कि इतना पैसा पड़ा है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं निकालना कोई मसला नहीं। क्या अकाउंट अगर बैंड, हाँ ये बात भी थी कि अगर अकाउंट समझ लो कुछ पेनल्टी लगी या तीन वार्निंग आ गई बैंड हो गया और अपने अकाउंट में पड़ा है समझ लो $100, तो एक जीमेल आता है कि अभी 90 दिन तक आप यूज नहीं कर सकते अपना अकाउंट, लेकिन 90 दिन के बाद एक बार बस लॉगिन करके विड्रॉ कर लो पैसा, उतने मतलब टाइम के लिए, उतने वक्त के लिए खोल देंगे अकाउंट, फिर दोबारा बैंड कर देंगे, तो मतलब पैसा फंसने वाला नहीं है वहां पे। हाँ वो टाइमिंग दे देंगे इतने टाइम में करो, ठीक है। ईमेल आईडी क्या, अकाउंट अगर बैंड है समझ लो कुछ पेनल्टी लग गई या फिर बार बार कुछ रूल्स को तोड़ने के लिए वार्निंग आ रही है और अकाउंट बैंड हो गया अपना, जैसे अकाउंट बैंड होता है तो एक ईमेल आ जाता है अपने जीमेल पर कि या जो भी ईमेल लगा है वहां पर उसके इनबॉक्स में कि आपने ये जो हमारी पॉलिसी थी उसको वाइड किया है, तो उसके रहते हुए हम आपका जो अकाउंट है उसको टर्मिनेट कर दे रहे हैं, और टर्मिनेट करने के बाद आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा अभी तक है, तो अभी से जब से टर्मिनेट हुआ है उसके 90 दिन मतलब 3 महीने बाद तक के आपको टर्मिनेट ही रहेगा, टर्मिनेशन आपका रहेगा, लेकिन उसके बाद हम आपको एक मैसेज सेंड करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे, वो लिंक के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे तो इतनी देर जितनी देर में आप विदड्रॉ कर ले तो अकाउंट खोल दिया जाएगा, उसके बाद फिर से बैंड कर देंगे। ये ऐसा मेथड है, ठीक है। ईमेल बोल तो साली, उसके बाद क्यों करेंगे, मतलब बैंड हो गया ना आपका अकाउंट तो उसको दोबारा नहीं चालू कर सकते। नहीं वो पहले बैंड हो गया, दूसरा बताओ। हाँ नहीं वो नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो रिश्वत नहीं दे सकते, लेकिन पावर का जो जैसे पावर पर कांटेक्ट कैसे करते हैं ये बताया गया था क्या, पावर पर अगर कोई से कांटेक्ट करना है एज अ बायर एज अ सेलर तो कांटेक्ट कैसे किया जाए ये बताया, उन्होंने बताया, ठीक है बता देते हैं, पहले पेपाल का देख बता देना ना, उन्होंने बता देना ना, ठीक है बोल गए। मैं आप लोगों को बता दूं ये ईमेल ना, रमजान में सेमिनार हुआ था और उसके बाद हम लोगों को मैरिज शुरू करना था, सभी वाला ईमेल है कि उसके ऊपर वाला वो डिले होते थे उसकी, तो यूएफ तो जगह नहीं मिल रही थी, एआईआर मल्टी सर्विसेज, आर इनको करानी मल्टी सर, ये इनके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, वरना पूरा कोर्स यही करा है मल्टी सर्विसेस एट द रेट protonmail.com पासवर्ड क्या है, ठीक है वो देख के भी याद नहीं होगा ऐसा पासवर्ड है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कार्ड में लिंक हो रहा, वीजा कार्ड है ना, और पेपर अकाउंट में
क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट कार्ड है आपका? क्रेडिट हां क्रेडिट कार्ड है, इसलिए नहीं है। वीजा क्रेडिट है? क्रेडिट है ना, क्रेडिट है ये। और अकाउंट इतना स्पेंड है, कंफर्म योर कार्ड। ओके ओके, कार्ड कार्ड की सीवी भी ठीक है। ओके यू कैन स्टिल यूर लिंक योर पेपल अकाउंट बट यू कैंट यूज द पर्सन अंटिल यू कंफर्म दैट यू हैव द ओनर। ओके डेबिट कार्ड डायरेक्ट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड है तो उसका कुछ और अगर होगा तो नहीं पता उसको। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट का क्या मसला आ रहा है? एक दो दिन के अंदर मतलब वो दो जो अमाउंट है तो अमाउंट जब भी आ जाएगा तुझे बैंक लिंक करने के बाद ऐसा आएगा कि दो जो स्मॉल ट्रांजेक्शन है वो ठीक है। तो जब भी स्टेटमेंट चेक करते रहना दो तीन दिन के अंदर, जब भी आ जाएगा तो कंफर्म बैंक ऊपर क्लिक करके यहाँ पर दो अमाउंट डिपॉजिट जो हुए हैं अपने अकाउंट में वो लिखना रहेगा, एक रुपये से ज्यादा दो रुपये से कम रहता हो। और जब उसको कंफर्म कर देंगे तो बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पर लिंक हो जाएगा, तो पैसा आना जाना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बैन करके रखी है पेपैल को वहां पर होल्ड करने के लिए, एज अ वॉलेट यूज करने के लिए, तो जब तक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट या कार्ड लिंक नहीं हो रहे तो जब तक के अपने पेपैल यूज नहीं कर सकते। तो डेबिट कार्ड है क्या? ये डेबिट ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्रेडिट क्यों आ रहा है? वीजा क्रेडिट 0519 लास्ट में ना? हाँ तो वीजा क्रेडिट आ रहा है ना यहाँ पर, तो रिमूव करके एक बार फिर से ऐड करके देख लेते हैं। या वो वैसे क्रेडिट कार्ड भी ऐड हो जाता है, इतना मसला नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, तो कुछ क्रेडिट के लिए अलग नहीं करना पड़ता है, मैंने आज तक डेबिट कार्ड ही ऐड किया उसके लिए उनको लग रहा था। ठीक है, नंबर बोलो तो एक बार। 4313 9 9 3 2 6 0 5 0 6 0 5 1 9। वीजा है ना? ओके 10 25 7 4 4 है ना? 7 7 7 2। ठीक है, पेपाल अकाउंट बनाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। पेपाल द कार्ड इज स्टिल लिंक्ड टू योर पेपाल अकाउंट बट यू कैन यूज इट फॉर परचेज अंटिल यू कंफर्म दैट यू आर द ओनर। ट्राई कंफर्म योर अकाउंट। लिंक हो तो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, कंफर्म एक बार कर लेते हैं। दूसरा कार्ड होगा क्या कार्ड? हाँ कोई भी बैंक का चलेगा। इसका क्या था? 7 7 2 7 7 2 7 7 2। ऐसा होता तो नहीं है? रुपए का है ना, इस पे डेबिट या आ रहे वीजा या मास्टर कार्ड चलेगा? बैंक और कार्ड तो यहाँ पर लिंक कर लेंगे हम, अभी वो देख लेते हैं paypal.me कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये बहुत से साथी ना ये वेट में कि हमारा पेपाल अकाउंट बन जाएगा तो पे पब्लिश करेंगे, तो उस वेट में कई साथी मुझे तो उस वेट में मत रहे, उस पब्लिश कर गिग पब्लिश होने के एक दो महीने तक तो समझ लो भूल जाओ पहला ऑर्डर। अगर ऑनलाइन रहेंगे बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्टिव रहेंगे तो ही हो सकता है कि आ जाए, और बायर रिक्वेस्ट जितनी हो उतनी सेंड करो। आपने कितनी मिस कर दी वहाँ दिखाता है, तो मिस नहीं होनी चाहिए हमसे। ठीक है, नहीं अभी नहीं ये ना ऑफर्स है लेकिन अभी आ नहीं रही।
ये यहाँ पर शो करता है, देखिए यहाँ पर ये आप ये रोज 10-10 ऑफर फाइबर फ्री में देते हैं, बाकी अगर अपवर्क में जाएंगे यहाँ से तो 13 रुपये का एक जो उसका सेंड रहता है, मतलब एक टोकन सेंड करने का वो 13 रुपया लेता है अपवर्क। अब वो जितना भी सेंड करो उसके अंदर ऐसा भी रहता है कि जितना ज्यादा टोकन लगाएंगे एक रिक्वेस्ट के अंदर उतना ज्यादा चांस रहता है कि उतना ऊपर जो बायर आ रहा है उसको शो करता है वो। तो अगर फाइबर फ्री में 10 दे रहे हैं रोज का तो उसको यूज करो। अब हो सकता है पहले दिन 10 ना यूज, 10 यूज करने के बाद भी ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, तीसरे दिन ना मिले। ये नवीद भाई कितना नवीद भाई का तो शो किए थे ना उसका, वो कितना सेंड करते रहता हो बैठ के, फिर उसके अंदर कोई भी समझ 100 अगर सेंड करा उसके अंदर कोई एक का रिप्लाई आएगा, दो का रिप्लाई आता है, फिर उसके अंदर भी कन्वर्जन रेट बहुत कम रहता है, अपनी सर्विस पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उसको कन्विंस कर पा रहे नहीं पा रहे। सबसे पहले तो जो ग्रामर मिस्टेक और फ्रेजेस की मिस्टेक है वो ध्यान देना पड़ता है इसके अंदर, बायर रिक्वेस्ट के अंदर, कि अगर पढ़ने में कुछ आ गया कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है कुछ समझ में आ रही है बायर को तो वो देखता नहीं है फिर, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। जैसे मैंने वो उस दिन वो दिखाया था प्रपोजल तैयार हुआ, तो वैसा आप तैयार कर लिया पहले से, आपको रोज आना भेजना है तो रोज आना नए सिरे से लिखना मुश्किल काम है, आप तैयार कर लें, गिग डिफरेंट होगी, हो सकता है निश थोड़ा सा आगे पीछे हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, वो तैयार करके रख सकते हैं, उसको एज अ टेम्पलेट बार बार नहीं यूज कर, वही सेम बार बार नहीं यूज कर सकते, उसका जो बायर का नाम है वो चेंज कर दे या फिर जो थोड़ा बहुत सेंटेंस है वो चेंज कर दे, क्योंकि हर बायर की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी अलग अलग रहती है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग मतलब ढल के बात करना है। अच्छा इसमें ये इस तरह के अल्फाज भी ना इस्तेमाल करें, ठीक है, डियर है, डार्लिंग है, मैडम है, हाँ ये मैम है, ये बहुत मतलब ये अंग्रेज चिढ़ते हैं इससे, इंडिया में सर मैम बोले तो कोई चिढ़ता नहीं, बाहर जो है जैसे यूके है यूएसए है यहाँ सब डियर मैडम सर ये सब बोलने से लोग चिढ़ जाते थे, तो कंट्री और रीजन के हिसाब से टाइम जोन के हिसाब से मतलब बात करें, इंडिया का तो कुछ भी बोल दो उसको ब्रो डूड कुछ भी बोल दो चलेगा, लेकिन बाहर का अगर कोई यार है तो उसको ऐसे बात नहीं करनी जा सकती है, उसको पकड़ के उससे बात करते रहो, ठीक है। तो मैं वो बताने रहा था कि अगर कुछ मसला हो जाए या कुछ फाइवर से कॉन्टेक्ट करने का चांस लगेगा या फिर कुछ गिग डाउन हो गई या कुछ भी हो गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बग है, मतलब फाइवर की कुछ मिस्टेक है हमारी मिस्टेक नहीं है, तो नीचे जब आए कोई भी पेज पर फाइवर के डैशबोर्ड मैसेज ऑर्डर्स कोई भी पेज पर जाएंगे तो ये नीचे का जो फुटर है ये सेम रहता है हर पेज का, जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे हम क्या हुआ पेपाल छोड़ दिए, ओह सॉरी मैं इधर उधर हो रहा हूँ, पेपाल डॉट मी बना देते पहले उसके बाद हम फाइवर कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे वो देख लेंगे, वही रहने दोस्तों वही रहने दे, ठीक है paypal.me, ठीक है। जब फर्स्ट होम पेज पर आएंगे तो वहां पर या तो यहां पर नीचे जितना सेटअप लिखा है वहां पर भी paypal.me एक बनाने का दे देगा ऑप्शन कहीं पे भी, या फिर यहां पर जाएंगे एकदम ऊपर ही paypal.me यहां से बना सकते हैं, तो जब उसके ऊपर जाएंगे उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर क्रिएट paypal.me के एक बटन आएगी, उसके बाद अगर फोटो ऐड करना है तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नॉट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कोई एक फोटो ऐड कर देते हैं अभी होगा यहाँ पे कोई भी फोटो बाद में चेंज कर लेना जिसका भी है एक कोई अतीक भाई है उनका ऐड कर देते हैं, ऐसे ठीक है। तो ये paypal.me/ करके रहता है paypal.me/, जैसे नाम यहाँ पे हसनैन तो हसनैन ट्राई कर देखते हैं है कि नहीं है, अवेलेबल अवेलेबल नहीं है टेकन है मतलब कोई और ले चुका है इसको, तो हसनैन अहमद करके देख सकते हैं हसनैन अहमद, ये जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा करना चाहिए ताकि देने में और सामने वाले को याद करने में आसानी रहे, तो हसनैन के बाद ही कुछ लिख देते हैं 1 2 3 कुछ बोलो कोई के दिमाग में आ रहा होगा तो हसनैन 1 1 1 नहीं, और इसके अंदर स्पेशल सिंबल थोड़ा सा ना यूज करें जिसका नहीं बाद में ये नहीं चेंज होगा नहीं पेपर ये नहीं चेंज होगा हसनैन सैफी ये भी टेकन है हसनैन सैफ है हसनैन सैफ है हसनैन सैफ paypal.me/ हसनैन सैफ, ठीक है। जब ये नेक्स्ट करेंगे तो बस ये चेकबॉक्स को कि हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ मेरा पेपर यूज करने का paypal.me/ हसनैन सैफ करके,
ठीक है, फोटो बाद में चेंज हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा लेकिन, ठीक है। अब प्रोफाइल जो हमारी लाइव हो चुकी, जैसे यूपीआई आईडी क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट हो गया। अब जब डन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कोई या तो हमारा ईमेल आईडी यूज करके पेपैल पर ट्रांजैक्शन हमारे साथ करें, या फिर paypal.me यूज करें, दोनों एग्जैक्ट सेम माना जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे कि जो पेपैल का है वो ये यूजर नेम है, लेकिन यूज जो करेगा paypal.me वो जो पहले हम सिलेक्ट कर चुके हैं, प्राइमरी तो यही रहेगा, प्राइमरी ईमेल मतलब जो सामने वाले देंगे हम यही रहेगा, लेकिन अगर चाहे तो paypal.me/ जो बनाया अभी वो भी यूज कर सकते हैं। और पेपैल के ताल्लुक से किसी को कुछ पूछना होने तो फिर पावर पर जम कर देंगे। हाँ, paypal.me/ पूरा देना पड़ेगा। जैसे यूपीआई आईडी बनाते हैं तो यूपीआई आईडी जो भी हमारा रहता है @ उसका, तो वो तो बोल सकते हैं ना, paypal.me तो ऑलरेडी लिखे है ना सामने वाला, लेकिन सामने वाला है ऐसा तो हाँ वो पहली बार कर रहे हैं तो उसको भी पूरा दो ना। paypal.me/ करेंगे ना तो एक URL बन जाएगा, मतलब उसके ऊपर टाइप करें डायरेक्ट पेपैल पर आ जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ स्नैन सेफ देंगे तो उसको जब तक वो paypal.me/ नहीं लिखेगा तो वो डायरेक्ट पेपैल पर नहीं जा सकता, ठीक है। और कुछ क्या पेपैल मी का एड्रेस? हाँ ये ओके, यहाँ पर जैसे आ गया, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे ना होम स्क्रीन पर तो नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा क्रिएट अ पेपैल डॉट मी या फिर क्रिएट योर यूनिक पेपैल लिंक, ये यहाँ पर आता ही आता है। जो डैशबोर्ड है हमारा ये होम, इस होम स्क्रीन पर जो डैशबोर्ड है वहां पर जो जाएंगे तो उसके ऊपर ही आ जाएगा, या फिर अगर नहीं याद आ रहा है तो paypal.com के बाद ये लिख भी सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर मैं लिखा paypal.me हसनैन सैफ, अगर इतना भी लिखूंगा तो भी जहां पर हूं वहीं आ जाऊंगा, ये आ गया, ठीक है। और कुछ, जैसे अभी मैं लॉगिन नहीं हूं तो यहाँ पर जैसी कोई भी लिंक पर जाएगा वो हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। रिक्वेस्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम UPI ID जैसा यहाँ पर मेथड है, रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा कट जाएगा, सेंड अगर कर रहे तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल है पेपैल के ताल्लुक से? और paypal.me जो है अपडेट नहीं कर सकते, उसको रिमूव करके दोबारा दूसरा बना सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दूसरा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये अपना हाँ कितना दिन बाद, तो वो तो पावर की पॉलिसी है ना, पेपैल पर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता, वो तो पावर ही नहीं छोड़ेगा ना, पावर में कम से कम $30 चाहिए, हाँ कम से कम वहां पे $30 हो गया तो उसके बाद विड्रॉप ऑप्शन आता है, उससे पहले नहीं आता। पेपैल पे $1 कितना भी करो वो उतना है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका 2.5% पेपैल लेगा, और एक फिक्स अमाउंट ₹3, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे। इंडियन गवर्नमेंट तो ज्यादा लेती ना, वो ₹15 फिक्स है उनका, और फिर ऊपर टैक्स अलग है, ठीक है। तो अभी क्या सैलरी है तो ठीक, जो भी अगर पावर से बात करना है, मतलब एज अ बायर अलग बात करते हैं और एज अ सेलर अलग बात की जाती है, मतलब जो वहां पर इंप्लॉयज रहते हैं उनकी दो कैटेगरी रहती है, बायर से बात करने वाले अलग रहते हैं इज्जत और एहतराम से, क्योंकि इनसे ही पैसा आ रहा है, सेलर काम कर रहे हैं लेकिन बायर से पैसा आ रहा है, तो उनकी जो ट्रीटमेंट रहती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम एज अ सेलर यहाँ पर बात करेंगे, तो कोई भी पेज पर एकदम नीचे अगर जाएंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है सपोर्ट का, सपोर्ट के अंदर एक हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, तो सेलिंग ऑन पावर, बाइंग ऑन पावर या ट्रक ये एक्सप्लोर कर लेना सब, लेकिन हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर हम जाएंगे ना तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पर कि एज अ बायर एक्सप्लोर करना है या एज अ सेलर करना है, पावर पर जो आपको एक एम्प्लॉय से बात करना है वो कैसे बात करना है, तो हम क्योंकि सेल कर रहे हैं अपनी सर्विस एज अ बायर भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो फिर वो एक बाद में अलग वार्निंग या फिर पेनल्टी वाली बात हो जाएगी, तो एज अ सेलर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर कुछ जो मेन टॉपिक्स है पॉपुलर टॉपिक्स वो आ गए कि विड्रॉल रेवेन्यू या फिर व्यूइंग स्टैटिस्टिक्स या गिग पॉलिसी, सेलर हब क्या मसला हो रहा है, तो हम सेलर हब को देख लें कि यार कुछ बात नहीं बन रही या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत डेप जो है ये दिया है कि क्या क्या मसला है, कुछ अगर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो वो देख के हमारा काम कर सकते हैं, जैसे हमारा बायर रिक्वेस्ट का कुछ मसला है या फिर
सेलर का जो अकाउंट है उससे कुछ मसला, जैसे यहाँ पर बाहर रिक्वेस्ट एक ऑलरेडी मेंशन है उसके अंदर जाएंगे तो फिर ये लोग कुछ बात करके रखे हैं क्या है बाहर रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लो यहाँ पर समझ लो हमारा नहीं इश्यू सॉल्व हो रहा है यहाँ पर जो लाइव बात कर रहे हैं किसी से, तो नीचे एकदम जाएंगे तो यहाँ पर स्टिल नीड हेल्प वी आर हेयर फॉर यू, यहाँ पर कॉन्टेक्ट सपोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे एकदम नीचे जाकर तो फिर से ये पूछा है कि बाइंग ऑन फाइवर या सेलिंग ऑन फाइवर, तो मैं कहूंगा सेलिंग ऑन फाइवर। अब मेरा जो मसला है वो गिग से रिलेटेड समझ लो मसला है, तो अब वो पूछ रहे हैं क्या मसला है, गिग क्रिएट नहीं हो रही है, एडिट नहीं हो रही है, उसका स्टेटस नहीं दिख रहा है या फिर कुछ और मसले, तो मैं बोलता हूँ उसका स्टेटस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो गिग ऑलरेडी यहाँ पर एक ले चुका है क्योंकि एक ही गिग बनी है अकाउंट से, अगर और गिग रहेगी दो तीन गिग रहती तो यहाँ पर वो पूछ लेता कि कौन सी गिग के अंदर मसला आ रहा है, तो यही गिग के अंदर मेरा मसला आ रहा है, तो वो स्टेटस पहले बता दिया कि योर गिग इज एक्टिव, उसका स्टेटस का क्योंकि मैंने किया था ना तो स्टेटस वो बता दिया कि एक्टिव है यहाँ पर और जो सर्च लिस्ट है उसके अंदर आ रही है। अब समझ लो इससे मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है वॉज दिस स्टिल हेल्पफुल, मैं लिखूंगा नो। अब मैं कुछ अदर रीजन दे देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, मैं समझ लो रीजन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ये रीजन देगा मैं सेंड फीडबैक कर दूंगा, स्टिल नीड हेल्प पर क्लिक करूंगा। अब ये जो बात है ये मेरी फाइवर के एम्प्लॉय से यहाँ पर शुरू हो गई है, मैं पहले लिखूंगा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट जो है गिग स्टेटस है, गिग स्टेटस है। अब यहाँ पर मैं उसको डिटेल में पूरा बताऊंगा कि मेरा स्टेटस देखने में क्या मसला आ रहा है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ या फिर क्या करना चाह रहा हूँ जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर आई एम, जैसे मैं एक सिंपल सा कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आई एम अनेबल टू सी माय गिग स्टेटस, ठीक है। अब गिग की जो यूआरएल है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा फाइल कुछ स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी अटैच अगर करना है तो वो कर सकते हैं। अब सेंड रिक्वेस्ट में कर दूंगा तो एक टोकन क्रिएट हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाज सेंड सक्सेसफुली, अब यहाँ पर एक टोकन हमारा क्रिएट हो गया। अब ये टोकन जीमेल पर भी क्रिएट हो गया, जब भी ये जो एम्प्लॉय हमारे को जो एम्प्लॉय रिप्लाई करेगा तो वो जीमेल पर और फाइवर के इसके ऊपर दोनों जगह नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर वहां से हम बात को स्टार्ट कर सकते हैं, फाइवर के जो भी एग्जीक्यूटिव रहेगा उससे बात यहाँ से ऐसे स्टार्ट की जा सकती है। और एज अ सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर एज अ बायर है तो उनको डायरेक्ट चैटिंग का ऑप्शन रहता है, वो क्योंकि वो इतने टेक्निकल नहीं रहते, वो खरीदते हैं सिर्फ सामान, जो सेलर है वो टेक्निकल बंदा रहता है, तो उसके लिए इतना ज्यादा सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे कहाँ से जाना है, मैं समझ लो डैशबोर्ड पर आ गया हूँ, तो यहाँ से कहाँ जाऊंगा, अब एकदम डाउन, अब हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। अब एज अ सेलर कंटिन्यू कर, बाहर की सेलर अब कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, गिग पॉलिसीज, ठीक है गिग पॉलिसीज पर आ गए। अब कहाँ जाएंगे, गिग की कुछ पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, कहाँ जाएंगे, डाउन, एकदम डाउन जाएंगे, स्टिल नीड हेल्प, ठीक है। एक बार वापस करेंगे, मैं यहां पर आया एज अ सेलर, किसमें जाऊं, विड्रॉवल रेवेन्यू में चले जाते हैं, ठीक है ये पूरा दिया है, कहां जाऊंगा, यहां पर तो नीचे ही आ गया एकदम, ठीक है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अब क्या करूंगा, सेलिंग ऑन फाइवर, बाइंग की सेलिंग ऑन फाइवर, ठीक है क्या मसला आ रहा है, पेमेंट एंड विद्रॉवल्स का मसला आ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या सिलेक्ट किए थे, विद्रॉवल रेवेन्यू, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेमेंट एंड विद्रॉवल, ये करते करते आ जाए, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, सब जैसे जैसे करेंगे नहीं तो बोलेंगे यार ये याद करो, उसके बाद रजिस्टर पे याद करो, ये करते करते धीरे धीरे हो जाता है खुद से, ठीक है। अब क्या मसला था, विद्रॉवल नहीं हो रहा है कि सेलर टैक्सेस फीस, जो भी मसला समझ लो मेरा विद्रॉवल का मसला है कुछ। अब क्या है, अनेबल टू विद्रॉ फंड्स, ठीक है वो कर देते हैं, हेल्पफुल है कि नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी अदर रीजन या फिर कोई भी सिलेक्ट करके सेंड फीडबैक कर देंगे, फिर उसके बाद स्टिल नीड हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई फाइल या फिर डिस्क्रिप्शन कुछ भी स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी, यहाँ पर मैक्सिमम 1 GB तक की फाइल अपलोड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 GB तक की फाइल अपलोड कर, समझ लो कोई बहुत हाई क्वालिटी वाला वीडियो बना लिए तो भी 1 GB तक के अपलोड किया जा सकता है। अब जैसे ही कर देंगे सेंड रिक्वेस्ट करेंगे टोकन जनरेट हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है लोग का, तो फिर वहां से चैटिंग शुरू की जा सकती है, ठीक है। अगर अभी आ जाता है तो अभी देख लेंगे हम कैसे जो इंटरफेस रहता है और चैटिंग का कैसे रहता है, तकरीबन सेम टू सेम जैसे मैसेजेस का रहता है यहाँ फाइवर का मैसेज वैसे ही रहता है, ठीक है।
तो फाइवर के एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर कोई कुछ सवाल नहीं, कुछ और बताना था तो मुझको पता नहीं ना क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। ऑर्डर कैसे देंगे बता दें? हाँ, वो कल हो गया था कि ऑर्डर वहां के कुछ भी लगा कर डायरेक्टली ना सेंड कर दिया जाए, डायरेक्टली सेंड करेंगे तो सामने वाला लेके भाग भी सकता है। मिस्टेक क्या करनी चाहिए वो भी होता है। हाँ, ये भी तकरीबन हो गया। और कोई डाउट होगा तो कर देना, तुम थोड़ी देर ले लो फिर मैं। नहीं रिस्पॉन्स रेट का मामला ऐसा रहता है, जैसे कोई बंदा कोई बायर सेलर को मैसेज कर रहा है, जो पहला मैसेज रहता है हम उसका रिप्लाई दे दिए तो उसका रिस्पॉन्स लेकिन जो मेन यहाँ पर शो होता है रिस्पॉन्स रेट एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर, वो पहला मैसेज जो रहता है वो काउंट होता है, पहला मैसेज कितने मिनट बाद कितने घंटे बाद सेंड किया, उसके साथ वो एल्गोरिथम चेक करता है कि इतने इसका यहाँ पे टाइम बैठ रहा है, एवरेज निकाल दी। जैसे मैं दो तीन बार एक एक घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ तो आप एक घंटा रहेगा, 15 मिनट करो तो भी एक ही घंटा रहेगा क्योंकि एक घंटा शुरू होता है। ठीक है, ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन है? हाँ, वही तो बता दो। ऑटो रिप्लाई का नहीं, ऑटो रिप्लाई का नहीं, क्विक मैसेज है, ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है तो वो तो फिर रिस्पॉन्स ही करता होगा ना, ऑनलाइन टाइम नहीं है तो ऑटो रिप्लाई हो रहा है। और टाइम जोन इसके अंदर जब सेलिंग करेंगे पावर पर तो टाइम जोन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर पर जो ज्यादा क्लाइंट आते हैं तो वो यूरोपियन कंट्री से आते हैं और मेन जो है उधर भी समझ लो यूएसए यूके यूनाइटेड किंगडम ये सब मतलब वही साइड है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब सेलर्स है, जो मेन बायर है वो उधर के आते हैं तो वो लोग के टाइम जोन के हिसाब से ऑनलाइन करना चाहिए। अगर हम सुबह ऑनलाइन आएंगे तो जो रात चल रही है ना तो कहाँ रात में कौन काम देगा, जो मेन बिजनेस आवर्स है उसके अंदर काम मतलब रात में। हमारा इंडिया इंडियन टाइम के हिसाब से जो रात में 8 से 3, 3:30 तक रात में 8:30 से 3:30 तक ज्यादातर ऑर्डर आते हैं। बायर रिक्वेस्ट उस वक्त आप देखेंगे उसी टाइम पे ज्यादातर जो बायर रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेगी इंडियन टाइम 8:30 से 3:30 तक, और उसी टाइम जो तकरीबन तमाम बायर रिक्वेस्ट रहती है पोस्ट भी की जाती है और प्रेस रिफ्रेश भी वही वही टाइम होता रहती है, तो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहने की कोशिश करें। और ऑनलाइन रहने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है, मतलब सिर्फ ऐसे चालू करके छोड़ देंगे तो 25 से 30 सेकंड के बाद ही ऑफलाइन काउंट होने लगता है, अगर कुछ माउस से मतलब रिफ्रेश नहीं हो रहा है या फिर माउस कुछ ट्रैक पार्लर का जो मतलब जो वेबसाइट है वो ट्रैक करते रहती है अपने यूजर को, खासतौर पर सेलर को कि क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, समझ लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रहती है अपनी, तो अगर यहाँ सिर्फ मैं माउस ला के रख दिया तो ये 25 से 30 सेकंड के बाद ऑफलाइन काउंट होने लगता है कि मतलब कुछ कर बस स्क्रीन चालू करके बैठे, भले से मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ बैठी कुछ ऑर्डर आ रहा है बाहर रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन वो रिफ्रेश नहीं होगी अपने सामने जब तक खुद से रिफ्रेश नहीं करेंगे या फिर कुछ काम नहीं करेंगे। इसमें आमतौर पर ऐसा होता है ना जैसे जो पुराने सेलर होते हैं ठीक है तो वो चेक करते रहते हैं, जैसे कि मेरी नीश है फेसबुक मार्केटिंग ठीक है, अब फेसबुक मार्केटिंग में मैं देख रहा हूँ पहले पेज पे कौन कौन लोग है दूसरे पे कौन कौन लोग है, थोड़ी देर के बाद देखा ये नया आ गया न्यू है कैसे आ गया, पूरा चेक करो उसका गिग चेक करो टाइटल चेक करो कवर चेक करो ये तो ये सारे काम मतलब करते रहने का ठीक है, उसमें तो उससे आपको समझ में आएगा कौन कैसे काम कर रहा है क्या कर रहा है और आप एक्टिव भी रहेंगे यहाँ पर ये चीज। तो ये चीज हो गई। अच्छा ये मोबाइल पर कैसे ऑन रहेंगे ये बता दो, मोबाइल पर कैसे एक्टिव रहेंगे? मोबाइल पर वेबसाइट इतने ज्यादा नहीं मतलब बहुत छोटे छोटा सब दिखता है तो मोबाइल की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके जो मेनू का ऑप्शन आता है वहां पर एक्टिव ऑनलाइन या फिर ऐसी ऑप्शन रहता है कि ऑनलाइन बता दो,
तो उसके ऊपर अगर क्लिक करके रखेंगे तो जैसे मोबाइल की एप्लीकेशन पर इंस्टॉल होगा, हां यहां पे शो ऑनलाइन स्टेटस करके रहता है, और जैसे हम यहां पर मेन्यू में जाएंगे तो यहां पर एक शो ऑनलाइन स्टेटस करके रहता है, वो बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। मतलब अगर हम जा भी रहे एप्लीकेशन में तो भी अगर बंद है तो जब तक ही चालू रहेगा तो यहाँ पर ऑनलाइन ही शो होता है, ऑनलाइन सेलर मोड ना, सेलर मोड नहीं, ये जो शो ऑनलाइन स्टेटस है ये चालू करके रखेंगे तो ये जो ऑनलाइन के बाद ये जो डॉट आ रहा है ग्रीन कलर का डॉट, इसको देख के समझ में आता है कि मतलब जो बंदा है वो ऑनलाइन है। और जब कोई फिल्टर करता है कि शो ऑनलाइन सेलर्स, जो देखा होगा आप लोगों ने जब भी फिल्टर करने टाइम वो बंदा देखता है कि ऑनलाइन कितने लोग हैं तो उसके अंदर शो करता है, तो पहली बार तो सब जल्दी से वो एप्लीकेशन निकाल लें जितनी जल्दी हो सके, गिग पब्लिश करने के बाद वो गिग पब्लिश किया तो फिर फायदा क्या है। वो यहाँ से मतलब गिग एडिट ये सब नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कि मैनेज है या फिर शेयर करना है या फिर पेमेंट का देखना है अर्निंग, और जो बायर रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती रहती है, तो एप्लीकेशन का ही फायदा रहता है। गिग शेयर करना है, अच्छा गिग शेयर करने के ताल्लुक से देखिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है गिग आप लोग शेयर करेंगे कल, नहीं मैं भी बता रही हूँ, बता रहा हूँ गिग शेयर करने के ताल्लुक से उठा के कहीं भी शेयर ना करें आप, ठीक है, यानी आपकी जो गिग जिससे रिलेटेड है जैसे फेसबुक मार्केटिंग, तो आप फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड पहले पर ही आप शेयर करें, ठीक है, इधर उधर जैसे इधर के ग्रुप में डाल दो, सियासी ग्रुप है उसमें डाल दो, इधर डाल दो उधर डाल दो, तो उससे क्या होगा मालूम, जो लोग आएंगे ठीक है तो आपको इंप्रेशन तो आ रहा है, क्लिक भी हो जा रही है आपकी, लोग चेक भी कर रहे हैं मगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो फाइवर एक देखेगा काफी टाइम तक तो बोलेगा ये बंदे में फॉल्ट है, बिल्कुल ये बंदे में फॉल्ट है कि इसको इंप्रेशन भी मिल रही है क्लिक भी मिल रही है मगर कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो ऑर्डर दे रहे क्योंकि आपने, और ऐसे तो हमारे यहाँ पे इधर उधर आप अगर शेयर, हम इधर उधर शेयर कर रहे हैं ना तो लोगों को बैठे बैठे काम ही कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करते जानबूझ के क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है फेसबुक मार्केटिंग में, जैसे कि अभी न्यूज अकाउंट ऐड कैंपेन चली थी तो तकरीबन जो है यानी उस पे एक वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रही है तो वन क्लिक पे ₹100 कट रहा था, वन क्लिक पे ₹100, तुम ऐसे टच कर दे रहे हमारे ₹100 कट जा रहे, और बैठे बैठे लोग फालतू ये आया ओ भाई काय को कर रहे यार, नहीं लेना है नहीं इंटरेस्ट है तो काय को कर रहे है तुम, तो इसलिए ये जैसे यहाँ तो नुकसान आपका नहीं होगा लेकिन नहीं, जैसे यहाँ पर भी नुकसान होगा ना, न्यू सेलर क्या सोचता है कि मेरा इंप्रेशन बढ़ेगा किक बढ़ेगी प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगा, तो उसके बाद तो अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप में वो तो बता दिया ना, लेकिन पैसे का मैं बता रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अब एड पेड एड चल रही है उसमें, अब आप खा मखा का जैसे कि आप चल रही है शूज की, आप इंटरेस्ट ही नहीं शूज खरीदते तो क्या क्लिक कर रहे उसके ऊपर खा मखा समझे, तो क्लिक पे पैसे कट जाते हैं, तो ये भी आप लोग अवेयर रखे कि बिना वजह लोगों के पैसे बर्बाद हमसे ना हो, ठीक है ये एक चीज हो गई। तो इसे आप शेयर कहाँ करेंगे, आप शेयर कहाँ करेंगे उसमें सबसे बेहतरीन, मैं जो लोगों को कह रहा हूँ कि फेसबुक पर आओ तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन फेसबुक पर है, ठीक है, जैसे कि मेरा अकाउंट खुला है कोई देखो फेसबुक पे, आप फेसबुक पर आप जो स्किल्स है जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर आप सर्च मारें, आपको एक से एक ग्रुप मिलेंगे फेसबुक, चलो फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक एड कैंपेन बड़े बड़े ग्रुप मिलेंगे इस पे, और जैसे ज्यादातर आप इसमें टूल्स होते हैं, ठीक है इंशाल्लाह कभी फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे या बेसिक फेसबुक कैसे यूज करना है वो उस पे तो उस पे पूरा बताएंगे, तो इसमें एक्टिव ग्रुप जो फेसबुक मार्केटिंग का ये ग्रुप सारे देखे, ठीक है ये इसमें कितने लोग हैं पहले वाले 90,000 उसके नीचे देखें 1,00,000, ठीक है तो आप ऐसे ग्रुप देखेंगे कम से कम 50,000-60,000 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है यानी आमतौर पे हम जो इतना वो होता नहीं बस ज्वाइन करो, ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप की आदत है 200-250 तो 250 बंदे हो गए व्हाट्सएप पे, मेरा ग्रुप फुल हो गया यार हमारा तो बहुत लगता है वो, ठीक है वो कुछ भी नहीं है फेसबुक के मुकाबले में, इसीलिए कह रहा फेसबुक पर आइए ये तो ये देखें 2-2, 3-3 लाख 10-10 लाख आपको मिलेंगे एक एक ग्रुप में, तो आप ये चॉइस करें कि 50,000-60,000 से ज्यादा मेंबर ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है बहुत ज्यादा भी ग्रुप नहीं होने चाहिए आपके। फिर दूसरा उसमें ये चेक करें कि उसमें थोड़ी डिटेल हो जाती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अंदर, के ग्रुप में मेंबर एक्टिव है या नहीं, तो रोजाना की पोस्ट चेक करते हैं कि रोजाना इसमें कितनी पोस्ट आ रही है,
फिर उस पोस्ट पे ठीक हाँ वहाँ देता है ठीक है रोजाना की पोस्ट कितनी आ रही है, फिर उन पोस्ट पे एंगेजमेंट कितनी आ रही है, क्लिक कितनी पड़ रही है, कम के लाइक कितने हो रहे हैं, कमेंट कितने हो रहे हैं, ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उठा के कोई भी ग्रुप नहीं ज्वाइन कर लेंगे। अब अंदर मेंबर एक्टिव नहीं है, कोई बंदा वो ग्रुप देख ही नहीं रहा है, तो फिर हमारा फायदा ही नहीं है, बिना वजह की मेहनत जा रही है। तो इस एतबार से आप ग्रुप ज्वाइन करें और अच्छे अच्छे ग्रुप तलाश करें, और उसमें जैसे एक्सेल शीट हम तैयार करते हैं ना, तो उसमें आप ग्रुप की जैसे आप अलग अलग काम के ना, कुछ आप दीनी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कुछ आप सियासी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कुछ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड करेंगे, तो कुछ आप फाइवर से रिलेटेड करेंगे। तब जब शेयर करना है आपको, तो आप फिर इतने ग्रुप में कहाँ ढूंढेंगे आप कि कौन सा ग्रुप है। तो उसमें आमतौर पर क्या होता है, शेयर मार फटाफट शेयर मार। अच्छा, फेसबुक पर एक ये कि फेसबुक अब जो है नहीं बिजनेस मॉडल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे 2020 में फेसबुक जो इंडिया में 4.5 लाख से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक किया, जरा जरा बात पे ब्लॉक मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म बनाना है अपना। अभी फेसबुक पे जैसे हम बिजनेस करते हैं तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अमेजोन पे सब ट्रस्ट करते हैं। फेसबुक पे आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो सीओडी देनी पड़ती है, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन अमेजोन अगर सीओडी ना देना तब इंसान परचेस करता है ये चीज। तो फेसबुक को अब ट्रस्ट लाना है लोगों को, तो उसके लिए अकाउंट बंद कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा ग्रुप में भी आप एक साथ शेयर मारेंगे ना, तो फिर फेसबुक बोलता है ये फ्रॉडिया है, आपका अकाउंट बंद कर देगा फेसबुक। ज्यादातर अकाउंट जो है शेयरिंग पर बंद हो गया, शेयरिंग पर। तो रोज आना आप जो है पांच छह ग्रुप में शेयर करें। तो पांच छह ग्रुप ऐसे निकाले जो 20-30 पे भारी हो जाए, ठीक है। एक साथ आप 30 ग्रुप में, 40 ग्रुप में, 20 ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देगा। अच्छा, बहुत ज्यादा शेयरिंग करनी है वो तो रीसेलिंग वगैरह उसमें आ जाता है। फाइवर के लिए 5-6 ग्रुप मेरे ख्याल से बहुत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप बेस्ट शेयर कर सकते हो। दूसरा है कि आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, ठीक है। इसको लिंक्डइन जो है इसको यूज कैसे करते हैं? उस पे मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। कासिम अली शाह फाउंडेशन और एक जगह पे बाकायदा ऐसे फिजिकल कोर्सेस हुए, तो वो डाल देंगे। कुछ बोल रहे थे लॉन्च कर दिया, मतलब वहां पर हम काम ले भी सकते हैं और काम करवा भी सकते हैं वही लिंक्डइन में रहते हुए, आउटसाइड ना जाते हुए। तो आप लिंक्डइन पे अकाउंट सब बनाइए, लाजमी बनाइए, जरूरी बनाइए। जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, तो इस तरह के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बनाएं। फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल जो ऐसे ही बिला वजह ना करें। बहुत सारे साथी जैसे फेसबुक मार्केटिंग वगैरह पे हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं आता और ये नहीं आता। तो भाई तू वहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान और जो मेरे घर मेरे एरिया के रास्ते टूट गए वो सब करते रहेगा तो कहाँ से आएगा? ऑफिशियली यूज़ करो बिजनेस के लिए उनको। तो लिंक्डइन पे जैसे वो अभी वो उसने डाला ना खल्ली वल्ली, क्या नाम है उसका, जुनेद अकरम अभी गया था पोलैंड गया था जुनेद अकरम, तो उसने उसका वीडियो डाला। किसका इंटरव्यू लिया उसने, गूगल के इसमें गया था वो, पाकिस्तान के एक नौजवान लेडी है उसको गूगल ने सेलेक्ट किया। 1300 लोग हैं वहाँ पे, उसमें वो अकेली पाकिस्तानी है, इंडियन भी है 3-4, एक दो बांग्लादेशी भी है उसमें। तो वो वहाँ कैसे गई, कहा कि तुमने किसी को बोला हो या एजेंट लगाए जाते हैं, तुमने एजेंट यूज़ किया हो, कुछ किया हो क्या? कुछ नहीं, फ्रीलांसर थी, फ्रीलांसिंग करती थी। तो फ्रीलांसिंग के साथ साथ वो लिंक्डइन पे भी उसने अकाउंट बनाया और वहाँ से भी क्लाइंट लेना शुरू किए। वो तो वहां से उसको उसकी एक्टिविटी देख के और उसके काम को देख के गूगल ने उसको उठाया और बाकायदा जो अपने यहाँ से उसको लेकर गया। तो ये ऑफिशियली प्लेटफॉर्म यूज करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लिंक्डइन यूज कीजिए। वहां पे बड़ी बड़ी आप जिस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर भी और एज अ क्या बोलेंगे आप कॉलेजेस से जो डिग्री ली हुई आपने उसके हिसाब से भी आप जो वहां पे फॉलो करें। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को, मैनेजर को और फिर उनके जो मेंबरान को, ये चीज़ वहाँ पे इस तरह एक्टिव रहे, उनसे कुछ ना कुछ जो आप
ऑफिशियली बात करने की कोशिश करते रहे, ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी गिग को शेयर करें, आम ग्रुपों में ना शेयर करें। जैसे फेसबुक मार्केटिंग है तो हम फेसबुक मार्केटिंग के एड वहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ पे अंदर जाएंगे ना आप चेक करेंगे वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग, हम अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे जो अपनी सर्विस दे रहे होंगे, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो सर्विस लेने भी आते होंगे। दूसरा है कि इन ग्रुपों में आप एक्टिव रहे ग्रुपों में, यानी सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करके छोड़ ना दे कि मेरा मतलब आएगा तो मैं गिग डाल दूंगा, फाइवर की लिंक डाल दूंगा या अपने काम की लिंक डाल दूंगा, ये चीज अपनी पोस्ट डाल दूंगा, नहीं, वहां पे एक्टिव रहे। वहां पे बहुत सारे लोग जो मैसेज करते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरा ये मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, तो वो लोग देखते हैं वहां पे कि ये बंदा जो बड़ा एक्टिव है, ये बंदा जवाब देता है, तो वहां से भी आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। तो इस अंदाज से इसको इस्तेमाल कीजिए। जी नहीं, ये फाइवर स्टार्ट करो ना, उसमें इधर जाओ, ये मेरे इसमें तो नहीं शो होगा, फिर भी किसी की गिग पे जाओ ना, अच्छा फाइवर पे सबसे पहली चीज है कि आपका कवर जो है बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक। कवर जितना दमदार होगा उतना आपको इंप्रेशन कवर की वजह से आएगी, ठीक। पहले बंदा कवर देखेगा आपको, फिर आगे की चीज देखेगा, तो कवर अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करें। अच्छा ये यहां पर देखिए ना, अगर कॉन्टेक्ट बायर हमसे कॉन्टेक्ट करेगा तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये यहां पे बंदे का नाम आ रहा है शाकिर, सरकार गैलरी, चले अब ये सरकार के सरकार भाई है ये, तो यहां कॉन्टेक्ट में से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। ये कॉन्टेक्ट यहां से करेगा तो इनबॉक्स में जाएगा, ठीक है। अब इनबॉक्स में जाके वो चैट करेगा जो भी करना है उसको, ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने ये जो पैकेज बनाए हुए, ठीक है, वो या तो डायरेक्ट पैकेज पे कंटिन्यू करके आपका पैकेज एक्सेप्ट करेगा, या फिर नीचे आ रहा है कॉन्टेक्ट सेलर, ठीक है, करें क्लिक, तो कॉन्टेक्ट सेलर पर क्लिक करेगा आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। अब कॉन्टेक्ट सेलर पर जब क्लिक करेगा तो तीन ऑप्शन वहां पे शो हो रहे होंगे, ये इससे ना मेरी बात हो चुकी होगी, किसी और को लो। ये देखें, ठीक है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है गेट अ कोट, तो गेट अ कोट पर अगर बायर क्लिक करता है तो वो उसको वो ऑप्शन आएगा कि वो खुद से सवाल क्रिएट कर सकता है, यानी उसका जो भी सवाल देगा वो खुद बना। एक तो हमने गिग बनाते हुए देखा ना कि बहुत से सवाल जो हम खुद बनाएंगे, अब उसमें से बायर जो खुद चॉइस करेगा, तो वहां हमने पहले से उसका जवाब दे चुका है, लेकिन यहां पे बायर खुद सवाल कर सकता है, तो यहां से सवाल करेगा, अब उसका सवाल जब वो यहां से कॉन्टेक्ट करेगा तो इनबॉक्स में शो होगा, इनबॉक्स में आएगा, लेकिन वो ऑफर के तौर पे आएगा, ठीक है, वो ऑफर के तौर पे हमें शो होगा। और उसके नीचे क्या है, ठीक है, ये इस पे क्लिक कर लो पहले, चलो। अब यहां पे जो ऑलरेडी दो तीन सवालात रहते, नहीं, आस्क क्वेश्चन पे तीन चार सवाल ऑटोमेटिकली रहते हैं, ये यही रहेंगे सबके ऊपर, जाके आप चेक करें, मैं उस पर वापस जा रहा हूँ, गेट अ कोड पे वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये सिंपल है, इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन सवालात मौजूद है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो यहाँ से हल्की फुल्की चेट करेगा, वो इनबॉक्स में आएगा आपके, ठीक है, जैसे कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है, करें आगे, ओके, चलो आगे सेंड कर दो उसको। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये तो ये हो गया दो तीन सिंपल सवालात ऑटोमेटिकली चल रहे होंगे, लेकिन गेट अ कोड पे आप जाएंगे ना, गेट अ कोड पे जाओ, ठीक है, ये देखिए, ये यहां पे जो बायर है ना, यहां पे वो अपनी डिटेल खुद डालेगा, अपना सवाल डालेगा, ऑटोमेटिकली पहले से नहीं आ रहा होगा,
उसको जो भी पूछना है, जो भी चीज है, उसकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे डालेगा, और वो डालने के बाद जो है फिर आगे चले। ठीक है, नीचे पूरी डिटेल, ठीक है, फाइल सबमिट करना है, वो ऑप्शन आ रहा है, और पूरी डिटेल नीचे आ रही है, प्राइस आ रही है, ठीक है, बजट क्या है, उसके बाद आगे सबमिट, इस पे सबमिट करेगा तो उसके बाद जो, हाँ, हमें जो एज अ ऑफर आएगा, ठीक है, ऑफर आएगा। अब हम उसको जो है एज अ ऑफर जो उसको चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको उस हिसाब से टाइमर शुरू होगा, और नहीं तो फिर हम जो उसको वो करेंगे, अपनी तरफ से एक ऑफर बना के देंगे। ठीक है, कस्टम ऑफर देखा थे क्या? नहीं, कस्टम ऑफर कैसे बनाया जाता है? माइलस्टोन बेस्ड या कस्टम ऑफर? नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक है, मैसेजेस में से जाएंगे, कोई का मैसेज आ रहा है उसको सिलिंग कर देते हैं पहले, कोई से बात हो रही है समझ लो, वो कोई गीक पर आकर या फिर पर्सनली या फिर कोई भी तरीके से कोई सोशल मीडिया हैंडल से आके हमारे पास बात कर रहे हैं कि ये काम करवाना है, इतने इतने में करना है बजट, या फिर कुछ भी फिक्स हो गया अपना। ठीक है, तो वो सेट हो गया, तो यहाँ पर वो समझ लीजिए वो गिग पर आ रहे हो $5 की गिग, लेकिन हमारी बात है कि हम उसका काम करके देंगे $25 में या $30 में, और हमारी जितने भी गिग है वो सब $10 की $15 की ऐसी है, तो जो कस्टम एक वैल्यू है, ये $25 एक कस्टम वैल्यू हो गई है, तो वो कैसे उसको सेंड करेंगे? तो उसका भी यहाँ पर एक नीचे दिया है क्रिएट एन ऑफर। ओके, तो क्रिएट एन ऑफर ये पहले तक किसी, तो क्रिएट एन ऑफर पहले सिंगल पेमेंट ही रहता था, अभी कुछ 6-7 महीने से माइलस्टोन बेस भी आ गया। पहले सिंगल पेमेंट देखेंगे, उसके बाद माइलस्टोन क्या रहता है वो देख लेंगे। सिंगल पेमेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट एन ऑफर जो दिया है, समझ लो पूरी बात हो गई $25 की। अब क्रिएट एन ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल पेमेंट एक टाइम में, मतलब जो सामने वाला है उसको ये ऑफर चले जाएगा, वो जैसे एक्सेप्ट करेगा उसके उसके पास से $25 या जितना भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उतना कट जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे ये ऑफर क्यों दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर सिंपल से आई विल ये जो पेज स्टार्ट हुआ ना, ये वही पेज है सेम टू सेम जो बायर रिक्वेस्ट में आया था। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट में यानी आप सिंगल पेमेंट मेथड चॉइस किए, उसके बाद जो शो हो रहा पेज, वहां से आगे आपको चलना है वही स्टाइल में जहाँ बायर रिक्वेस्ट में चलना होता, वो देख चुके हम। थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं आपके लिए फेसबुक एड रन करूंगा, वो लिख दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है स्विच टू माइलस्टोन, और जब माइलस्टोन पर आएंगे स्विच टू सिंगल पेज, ये ऑप्शन मतलब दोनों जगह सेम रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा कितना रिवीजन देना है, एग्जैक्टली सेम एज बायर रिक्वेस्ट ही चल रहा है पूरा। यहाँ पर दो या तीन जितना मैं दू, दो रिक्वेस्ट, दो समझ लो रिविजन दे रहा हूँ मैं, और तीन दिन में काम कर दूंगा। और मेरा प्राइस जो है यहाँ पर कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही प्राइस देना है उतना ही देना है। जैसे $25 की बात हुई थी तो मैं $25 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब अगर कोई एडवांस लगाना है कि मतलब रिक्वायरमेंट जो गिग बनाते टाइम एक रिक्वायरमेंट का सेक्शन आया होगा, तो वहां पर हमने जो भी रिक्वायरमेंट या तो फाइल अपलोड करना है या फिर सिंगल टेक्स्ट अपलोड करना है या फिर कुछ मल्टी, ये देखे थे ना रिक्वायरमेंट का सेक्शन, तो मैं समझ के चलो ना वो सबको पता है। तो वहां पर जो भी सिलेक्ट किया होगा या फिर टेक्स्ट या फाइल अपलोड का या फिर MCQ जो बनाया गया होगा, तो यहाँ पर वो पूछेगा अगर ये चेकबॉक्स टिक रहेगा, और अगर चेक नहीं रहेगा, जैसे चेक नहीं करूं मैं, तो डायरेक्टली जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट का ऑप्शन चले जाएगी, पेमेंट कर दो ताकि ऑर्डर शुरू हो जाए। तो इसको चेक भी रहने देंगे, जगह भी सर्विस बेस्ड रिक्वायरमेंट है, सर्विस अगर रिक्वायर कर रही है तो इसको चेक रखेंगे, नहीं तो अनचेक कर देंगे। और उसके नीचे फिर हमारे हिसाब से एड ऑन, जैसे गिग बनाए टाइम भी आते हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट डिलीवरी ये वो, अगर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सेंड ऑफर करेंगे तो ये $25 का जो है, जैसे मैं सेंड ऑफर कर देता हूँ, तो एक कस्टमर मेरा $25 का ऑफर यहाँ पर चलेगा इसको। ठीक है, तीन दिन के अंदर ये $25 का ऑफर। अब जो सामने वाला है उसके पास अप्रूव ऑफर और एक डिक्लाइन ऑफर रहेगा, अगर वो अप्रूव कर देता है तो उसका पेमेंट का ऑप्शन चले जाएगा कि वो पेपैल के थ्रू पेमेंट कर रहा है। अब जैसे ही उसकी पेमेंट खत्म हो गई, मतलब पेमेंट उसकी हो गई, तो हमारे यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है, तीन दिन का टाइमर शुरू हो जाएगा, वो तीन दिन के अंदर हमें डिलीवरी करने का रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको विथड्रॉ कर लेता हूँ, तो बोले बंदा क्या है, और अब दूसरा ऑफर देख लेंगे। अब ये उसके पास से खत्म हो गया, उसमें एक ऑप्शन और भी आ रहा होगा ना पीछे, क्या के डिटेल में एक्सपायर का, हाँ वो एक्सपायर का ऑप्शन आया कि इतने दिन में, यानी ये जो वहां से हम सारी डिटेल सबमिट की अभी, ठीक है, तो वहां पे एक ऑप्शन ये भी आएगा कि आप ऑफर तो दे रहे सामने वाले को, लेकिन कितने दिन तक ये आपका ऑफर रहेगा, एक्सपायर कब होगा, तो वहां आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
आमतौर पे 7 दिन लोग सिलेक्ट करते हैं, 7 दिन के बाद वो ऑफर हट जाएगा। जितना बेटा जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर कुछ दोबारा चीज दोनों समय सिलेक्ट कर दिया, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा ऑफर एक्सपायर स्क्रीन, अब कितना भी दिन में सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक ये ऑफर चैट में रहेगा। अब जब दिन मतलब टाइमर अभी से लेकर जब तक का टाइमर खत्म हुआ तो ये ऑफर अभी आप वहाँ से हट जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो हमने 2 दिन के लिए ऑफर दिया था, इसके लिए आपके लिए किया है, कम है ज्यादा प्राइस। चलिए तो ये हो गया सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट मेथड ये हो गया। जैसे इसमें ऐसा होता है कि बाद में क्लाइंट आता है, होता है इसमें ऐसी ऐसी अपनी बात हुई थी ना, वो तो पहले हुई थी हमारी बात, ठीक है। चलिए तो सिंगल पेमेंट जो रहता है उसके अंदर एक टाइम में जो बायर रहता है वो पेमेंट करके पूरा, फिर जितना भी काम रहता है उसका हम यही एक पेमेंट के थ्रू कर देते हैं। अब एक सेकंड जो माइलस्टोन बेस्ड वर्किंग आए, ये अपवर्क के थ्रू लिया गया, अपवर्क पे ऐसे ही काम होता था पहले भी और अभी वैसे ही होता है, तो फायदा में ये आ गया है। तो अगर माइलस्टोन बेस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि सेटअप ऑफर टू स्विच सिंगल पेमेंट, जैसे वहां पर आया था माइलस्टोन, यहां पर सिंगल पेमेंट आ रहा है। अब सेम चीज यहां पर मैं लिखूंगा, आई विल रन एफबी एड फॉर यू, ठीक। जो मेन हमारी सर्विस रहेगी वो डिटेल में करना है, मैं जल्दी जल्दी बताने के लिए बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ कुछ भी। अब यहाँ पर माइलस्टोन बेस के अंदर कैसा रहता है, माइलस्टोन का मतलब रुक रुक के चलना, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट माइलस्टोन, जो मेरा पहला माइलस्टोन रहेगा, मतलब ये जो माइलस्टोन यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा ये जैसे ही हो जाएगा तो जो पेमेंट रहेगी वो मेरे पास आ जाएगी, उसके 14 दिन बाद मैं निकाल सकता। जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे कोई बंदा आया कि मेरे लिए 2 महीना ऐड चला, 3 महीना ऐड चला, तो अगर सिंगल पेमेंट मेथड रहेगा तो जब तक 3 महीना 4 महीना होने जा रहे जब तक फिर कोई पेमेंट आने वाली नहीं है ना, तो अगर उसको माइलस्टोन बेस में करेंगे तो जैसे समझ लो पहली ऐड चलाएंगे 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए कुछ $60 की ऐड चलाएंगे, $70 की ऐड चलाएंगे, जैसे ही वो खत्म हो गया तो पेमेंट हमारे पास आ जाएगी, उसके 14 दिन बाद निकाल लेंगे। लेकिन वही अगर यही चीज सिंगल पेमेंट में करते तो 3 महीने 4 महीने बाद 14 दिन और रुकना पड़ता, उसके बाद पेमेंट निकलती। तो माइलस्टोन बेस के अंदर ये फायदा रहता है। जैसे मैं फर्स्ट माइलस्टोन, ये माइलस्टोन का नेम लिख देता हूँ, फर्स्ट ऐड जो मैं चलाऊंगा उसके अंदर समझ लो रिविजन में दे रहा हूँ, एक रिविजन दे रहा हूँ और 7 दिन के लिए मेरी ऐड चलेगी। और माइलस्टोन के अंदर जो रिस्ट्रिक्ट, जैसे सिंगल पेमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस नहीं थी कि इतना ही पैसा करो उतना ही पैसा करो, माइलस्टोन क्योंकि पावर को लगता है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज होता है माइलस्टोन, तो यहाँ पर कम से कम $50 का ऑफर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी यहाँ पर लिखा है, डिवाइड योर वर्क इनटू प्री डिफाइंड स्टेप्स विद स्पेसिफिक गोल्स, मिनिमम $50 फॉर ईच माइलस्टोन, क्योंकि पावर को ऑलरेडी लग रहा है कि ये जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ $100 है, $150, $300 ऐसा माइलस्टोन रहने वाला इसके अंदर। तो समझ लो पहला जो है मेरा माइलस्टोन वो $60 का है, $60 का है। अब यहां पर मैं डिस्क्राइब करूंगा, आई विल रन फर्स्ट एड फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए पहली एड ये रन करूंगा। अब इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर जो मेन है हमारा शेयर को भी दिखेगा बायर को भी दिखेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूंगा माइलस्टोन फर्स्ट मेरा क्रिएटेड हो गया, उसका नाम फर्स्ट एड हो गया, 7 डेज के लिए लगता है $60 का है। जितना माइलस्टोन मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊंगा उसके हिसाब से ये मेरा टोटल डेज और कितना डॉलर हो रहे ये क्रिएट करते जाएगा। जैसे ऐड कर रहा था वैसे यहाँ पर डिलीट करना ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये पूरा माइलस्टोन समझ लीजिए हमारा बन गया। अब ये भी एक्सपायर में अगर डालना है, समझ लीजिए माइलस्टोन का जो ऑप्शन दे रहे हैं, पहले सिंगल पेमेंट देते लेंगे, अब माइलस्टोन का दे रहे हैं उसके अंदर प्राइस थोड़ा कम कर दिए, तो एक दिन के लिए सिर्फ दे रहे हैं। अब जब ये सेंड ऑफर करेंगे तो सिंगल पेमेंट से थोड़ा सा अलग आ रहा है, यहाँ पर जो बायर है उसको माइलस्टोन दिखेगा कि इतने इतने माइलस्टोन में कर रहे हैं, आई विल रन एफबी एड फॉर यू, ये जो हमारा मेन था डिस्क्रिप्शन जो मेन लिखे थे जाकर वो है, उसके बाद कितना माइलस्टोन है, माइलस्टोन जैसे दिया है, अभी हम फर्स्ट एड पर है, फर्स्ट माइलस्टोन पर है, जैसे ही कंप्लीट होगा 7 दिन के बाद तो बायर अगर सिलेक्ट कर लेता है इसके मतलब इसका पेमेंट कर देते हैं तो 7 दिन के बाद हमारा $60 हमारे पास आएगा, उसके 14 दिन बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक अकाउंट। जैसे जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा धीमे 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 पेमेंट आते रहे, इंस्टॉलमेंट बना रही है वैसा पेमेंट। और सिंगल से बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उससे बहुत अच्छा ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब तक चलने वाले हैं, समझ लीजिए कोई ऐड चलाने के लिए 4 महीना 5 महीने की ऐड अगर कर रहे हैं तो काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन पैसे ही कुछ नहीं आ रहे, और अगर बीच में उसका मन चेंज होगा कि नहीं मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो फिर पूरा ही पैसा गया,
ये अगर बड़ा ऑर्डर कुछ मिल रहा है तो माइल स्टोन का ऑफर क्रिएट करना ज्यादा बेहतर है। इसको विड्रॉ कर लेता हूँ, ये आइडिया उसके पास है। ठीक है, इनबॉक्स में आने के तरीके, बायर आएगा ठीक है, एक तो बायर रिक्वेस्ट, उसके थ्रू बायर से चैट हो सकती है। दूसरे दो तरीका हुआ, अब अगर बायर आपके इनबॉक्स में आ जा रहा है तो फिर अगर बायर आके चला जा रहा है तो ये आपका आपका फॉल्ट है ठीक है, आप फेलियर समझे जाएंगे। बायर अगर आपके इनबॉक्स में आ गया, और जाहिर सी बात है कि वो आपके अकेले के इनबॉक्स में नहीं आया होगा, उसने कई लोगों से कॉन्टेक्ट किया होगा ठीक है, तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके रिस्पॉन्स दे उसको। जैसे फाइवर तो एक घंटा बोलता है, लेकिन आपको 5 से 10 मिनट में रिस्पॉन्स कर देना चाहिए, उसको आंसर कर देना चाहिए, 5 से 10 मिनट आप कर दें उसको ठीक है। अच्छा, बाय चांस ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, या रिस्पॉन्स दे भी दिए लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास अकेले तो नहीं, किसी और के पास भी गया होगा। बस औकात ऐसा होता है, एक घंटा दे, जो आधा घंटा गुजर गया, पौन घंटा गुजर गया, बाद में हमने देखा, तो अभी उसके बाद भी जो आप उसको उससे चैट कीजिए, उसको कुछ ना कुछ लिखिए ठीक है, इसलिए कि आप कुछ ना कुछ उसको लिखेंगे तो वो आपको जवाब देने के लिए वापस आएगा। तो इस ये जो जरिया होगा, ये चांस होगा आपके लिए कि आपको ऑर्डर मिल जाए। तो इसके लिए क्या, नहीं यार मैं तो चलो पौन घंटा लेट हो गया, आप छोड़ो जाने दो, पौन घंटा पहले आया था वो, किसी ना किसी से बात हो गई होगी उसकी, नहीं आप उससे चैट कीजिए ठीक है। आपके इनबॉक्स में आ गया बंदा तो आप उससे जो है बात करने की कोशिश कीजिए, और जितने अच्छे से करेंगे उतना बेहतर होगा। अब इसमें यह है कि आप उससे जो डायरेक्ट ये इनबॉक्स में आया तो हमें ऑफर देने का ऑप्शन आता है, तो फौरन ऑफर ना दें आप, पहले उससे चैट करें ठीक है, अपने बारे में बताएं, अपनी सर्विस के बारे में बताएं, अपने वर्क के बारे में बताएं ठीक है, उससे उससे पूछे कि तुम्हारी नीड क्या है, तुम क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो ठीक है ठीक, उसको यानी अपनी तरफ राजीब करने की कोशिश करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें ये, और उसके बाद फिर ऑफर दे डायरेक्ट, यानी ऐसा नहीं कि मैं ऑफर दे रहा हूं आपको ठीक है, तो डायरेक्ट ऑफर पे मत जाए, पहले उससे बात करें अच्छे से ठीक है जी। ये फाइवर पे जो फाइव स्टार रैंकिंग मिलती है वो उनमें ज्यादातर जो कम्युनिकेशन पर मिलती है, ज्यादातर कम्युनिकेशन पे, बंदा जो आप कम्युनिकेशन उससे किस तरह कर रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे अंदाज से कीजिए, अपना वर्क बताया, अपनी सर्विस बताया ठीक है, उसके वर्क की प्रायोरिटी के बारे में बताया, आप कितने अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आपको वो काम मिल गया, तो काम मिलने के बाद जैसे 3 दिन का काम है, 3 दिन में हमको डिलीवरी देना है, तो अब 3 दिन की डिलीवरी आपकी है, तो आप डायरेक्ट 3 दिन के 3 दिन तक गायब हो जाए और 3 दिन के बाद आए और कहे कि आपका काम मैंने कर दिया, ले लो, नहीं ठीक है हाँ, आप उससे चैट करते रहे, चैट करते रहे, कैसे हो, क्या चल रहा है, मैं तुम्हारा ही काम अभी कर रहा हूँ, ये यहाँ तक अभी पहुंचा है, बहुत जल्दी तुमको डिलीवर कर दूंगा, फाइनल रिजल्ट अभी बहुत जल्दी तुम्हारे सामने शो कर दूंगा, उससे चैट करते रहे, ये कम्युनिकेशन का एक अंदाज है आपका ठीक है। आप भूल जाएंगे वो हमारे ना खड़ूस आदमी, तो डायरेक्ट 3 दिन के बाद आप आके चेहरा उसको दिखा रहे तो इतना असर उस पर नहीं होगा, हमको तो यानी यहाँ पे स्टार्स लेने हैं ना, तो उसके हिसाब से सामने वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें जी। और अच्छा एक चीज और ये भी है कि जैसे हमें रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी देना है, फाइवर तो कह रहे हैं कि 1 घंटे में आप दो, लेकिन आप 5-10 मिनट में दे दो ये चीज, लेकिन उसमें कि बस मतलब ऐसा होता है ना, हम कम बिजी है, जैसे हम शादी में है, या आज के दिन हम फाइवर पे नहीं काम कर सकते, आज के दिन कुछ कहीं और वो मसरूफ है हम, तो आपको ऑप्शन आता है गिग पॉज करने का, तो आप अपनी गिग पॉज कर दीजिए, उससे आपकी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आपके पास ऑर्डर आ रहा है और आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो फिर आप पर असर पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। और एक मैं रिव्यू की बात बता रहा था, फीडबैक जो देते हैं सेलर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि वो पब्लिकली शो करता है पूरा रिव्यू, तो सेलर जो बायर रहता है फायर उसको पहली बार सेंड करता है कि ये बंदा कैसा कम्युनिकेशन है, क्या है, वो सब कुछ शो करता है पब्लिकली, लेकिन फायर एक प्राइवेट लेवल पर भी जो बायर है उसको एक फीडबैक मांगता है, जो कि ना सेलर को बताता है और ना फायर के प्लेटफॉर्म कोई को बताता, लेकिन जो मेन प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर जो बूस्ट करता है या फिर डाउनफॉल रहता है वो इसके थ्रू रहता है। जैसे हम किसी काम कर दिए
और वो सेलर हमसे सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये बंदा क्या सोचेगा इस बारे में कि मैं इसको गलत रैंकिंग दे दिया, मतलब स्टार कम दे दिया या तो इसकी रिव्यू उसका खराब कर दिया, तो मेरे बारे में सोची बार अगली बार जब काम करूंगा तो इतना काम बिगाड़ दे मेरा, तो वो ऐसा करेगा कि यहाँ पर 4.9 या 5 स्टार पूरा दे देगा। लेकिन उसके बाद जब प्राइवेट लेवल पे सारा उससे पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, अब वहां पे दे दिया और उसका पूरा डिटेल कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका कम्युनिकेशन था खराब था, काम ऐसा नहीं था वैसा, तो वो जो मेन फीडबैक है फायर उसको कंसिडर करके हमारी जो गीग है उसको रैंक करता है या डी रैंक करता है। ये बहुत देर लोग को ये बात पता रहती है देख के कि यार मेरा तो 5 स्टार है लेकिन फिर मेरी जो प्रोफाइल है डी रैंक कैसे होते जा रही है, तो वो प्राइवेट फीडबैक जो है वो खराब है मतलब। तो अगर 5 स्टार आने के बाद भी प्रोफाइल अगर रैंक नहीं कर रही है डाउनफॉल होते जा रहे हैं, तो मतलब जो प्राइवेट लेवल पे है वो जो बायर है उसके ऊपर अच्छा फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, वो निगेटिव फीडबैक मिल रहा है वहां पर। ठीक है, अच्छा ये एक बात और समझ में आ रही कि न्यू सेलर या तो अनलिमिटेड रिविजन को ऑप्शन ना दीजिए, लिखिए मत कहीं पे, ठीक है। जैसे आप लिखिए गिग में 2 मरतबा कर सकते हैं, 3 मरतबा कर सकते हैं, 5 मरतबा, जैसा काम रहा उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड मत दीजिए, वरना फिर सामने वाला आपको पका देगा। और बहुत सी मरतबा ऐसा भी होता है कि वो 10 मरतबा आपसे रिविजन मांग लेता, करवाए आपसे काम, उसके बाद बोलेगा 11वीं मरतबा के फाइनल मुझे फाइनल वर्क दे दो, फाइनल फाइल दे दो मेरा। हम बोलेंगे नहीं, तो बोलेगा तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन कर दे दूँ, 10 मरतबा मैंने इससे रिव्यू करवाया मगर इसने काम मेरा सही नहीं करके दिया, ठीक है। तो इस तरह आप खुद मौका मत दे जहाँ तक हो सके, ठीक है। और अगर इस तरह की अगर नौबत आ जाए तो आप उसको खुद बोले कि यानी तुमने 10 मरतबा उससे रिव्यू करवाया, मैंने आपको काम करके दिया, ठीक, अब तुम ऑर्डर मांग फाइनल ऑर्डर मांग रहे हो, तो किस बुनियाद पे मांग रहे हो? वो जो आप फिर कस्टमर सपोर्ट पे फावर कस्टमर सपोर्ट पे जाके खुद ही पहल करें, वहाँ पे खुद जाके लिखे कि ठीक है ये ऐसे ऐसा हुआ है और ये बंदा फाइनल मांग रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा कि उस तरह से तो सारी चैट आपकी फावर के सामने, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा है कि बाद लोग ये भी लिख लेते हैं कि 100% यानी वो अट्रैक्ट करने के लिए 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है, यानी काम सही नहीं हुआ तो मनी बैक हो जाएगी आपकी, तो ये भी ना लिखे, ठीक है, ये ऑप्शन भी मत दे, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि सामने वाला आपसे काम कराए, ठीक है, और काम लेगा, काम लेने के बाद बोलेगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं, ऑर्डर कैंसिल कर दो, समझे, ऑर्डर कैंसिल कर, तुम बोलेंगे क्यों, कह रहा तुमने लिखा है मनी बैक क्या है, तो ये फंस जाता है इंसान, इस तरह की बातें ना करें, ठीक है। और कोई सवाल हो किसी का आज के तालुक से, तो कर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं जाने कुछ बात सी बात आ जाती है, ठीक है। कुछ सवाल नहीं, मेरे अभी 3 दिन में 48 इंप्रेशन और 6 क्लिक्स है, तो ये कैसे समझना कि एक हफ्ते में कितनी हुई, तो कम है या ज्यादा है, कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, या नहीं, ये कैसे समझना? मैं समझा नहीं सवाल, इंप्रेशंस अगर आए तो कितने इंप्रेशंस कम होते, कितने नॉर्मल है कि आप ठीक है अच्छे इंप्रेशन, वो जो एनालिटिक्स है वो सर्विस बेस्ड रहती है, मतलब कोई सर्विस ऐसी रहती है जो कि बहुत रेयर रहती, तो उसके अंदर कम भी आए तो चलेगा, नीचे जो एक मैं एवरेज लेके चलता हूँ दिन भर में समझ लो 500-600 इंप्रेशन आ रही है और कुछ समझ लो 10 क्लिक 15 क्लिक ऐसे तो की अच्छी रैंक कर रही है, ये अब सर्विस बेस्ड है, मतलब जैसे लोगो मेकिंग है उसके अंदर 2-2.5 लाख की है, उसके अंदर अगर अपनी प्रोफाइल रैंक हो रही है तो फिर वो तो समझ लो 1000-2000 इंप्रेशन तो कहीं नहीं लगता उसके, ऐसी बात रहती, ठीक है जी। और कोई पीछे से आगे पीछे जाए वहां आगे बाजू से कोई वन डे डिलीवरी ऑर्डर है, हां अपने जान पहचान वालों को तो उसमें भी जैसे कि जैसे कि मैं अब्दुल्ला भाई हुआ, ठीक है, मैं फेसबुक मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ तो मुझसे ले, जैसे इनको कोई ऐड चला दिया, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे 1000 रुपये होंगे, फेसबुक में आपको 2000 रुपये, 2000 रुपये, लेकिन तुम्हारा
वहां से ऑर्डर नहीं किया, अब इन्होंने ऑर्डर वहां से दिया फॉरन, ठीक है मैं फॉरन वहां से एक्सेप्ट करूँ फॉरन फॉरन, तो उसको फाइवर वाले को वो होगा कि चक्कर इनका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फॉरन तो आप नहीं करते, टाइम लगता है, सामने वाले ने क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसी वक्त ऑनलाइन हो और वही देख रहे हो फट से आप कर दी ये चीज, चार मिनट पाँच मिनट दस मिनट इंसान आगे पीछे होता है ये चीज, तो ये वहाँ पे भी ऐसे ही अप्लाई होगा कि आप अगर जैसे अब इन्होंने जैसे ऐड का तो थोड़ा टाइम लग जाता है ऐड पूरा बनाने में, ऑडियंस टारगेट वगैरह करने में सारी चीज़ें, लेकिन इसमें जो जैसे लोगो बनाना या फिर ऐसे ही कोई काम है बिल्कुल कन्वर्ट करना है, ठीक है एक मिनट का काम है, एक मिनट का, अब ये बंदे ने ऑर्डर दिया मैंने फट से झट से करके दे दिया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम पहले से बात कर रहे थे, मैंने पहले ही बना लिया बात करते हुए, हम बात कर रहे थे मुझे ऑर्डर दे बैठे बैठे मैंने बना ली, उसने उधर डाला मैंने इधर फाइल भी डाली ले भाई काम कर दिया तेरा, तो फाइवर वाले को फिर शक होगा कि ये भाई पहले से चल रहे थे, थोड़ा रुक कर करें, आपके पास एक दिन का मौका है ना तो थोड़ा रुक जाए। और कोई सवाल किसी का? ज़्यादा ऑर्डर आ गए तो उसके हिसाब तो सेट करेंगे ना पूरा, ऑर्डर लिमिट नहीं अपने हिसाब से टाइम सेट करेंगे ना, कोई एक दिन दे दिए समझ लो एक दिन का तीन ऑफर हो गए तो अब दो दिन से सेट करेंगे तीन दिन सेट करेंगे उसके हिसाब से करेंगे काम, अपनी मतलब अवेलेबिलिटी के हिसाब से करेंगे एक दिन में कितना ऑर्डर कर पा रहे तो उसके हिसाब से करेंगे, फिर कोई कोई एक दिन का टाइम देंगे कोई कोई दो दिन का टाइम देंगे, हमारे पास ऑफर देने का ऑप्शन है ना, ऑफर अपने पास है हम ऑफर उसको देंगे, सामने वाला आया ऑफर मतलब समझ लो आ गया दो दिन का दस ऑर्डर कुछ आ गए तो फाइवर पर एक एक्सटेंशन का भी ऑप्शन रहता है, मतलब एक्सटेंड करने का, वहाँ पर समझ लो जब टाइमर चालू रहता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेनू का, वहाँ पर एक रहता है एक्सटेंड डिलीवरी, मतलब डिलीवरी मैं इतने टाइम में नहीं कर पाऊँ कुछ और एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या, तो वो एक्सटेंशन के यूज करते हुए हम समझ लो दो दिन का ऑफर था उसको तीन दिन चार दिन पाँच दिन ऐसे कर सकते हैं, तो टाइम के अंदर अगर ना हो पा रहा तो एक्सटेंशन का ऑलरेडी फाइवर के पास एक फीचर है तो मतलब उसका टेंशन नहीं लेना कि ज्यादा ऑफर आ गया तो फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। हाँ सामने वाले के ऊपर बात है ना, सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं रहता, सामने वाले के ऊपर बात है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सटेंशन तो। और कोई सवाल किसी का? मुझे फ्रॉड मैसेजेस आते हैं फ्रॉड ऑफर, तो उनको भी रिस्पांस देना जरूरी है, एक रिस्पांस दे के ब्लॉक कर दो बस, रिस्पांस देना जरूरी है, लेकिन ये जैसे कोई आ रहा है और इधर उधर की बातें कर रहे हैं ठीक है इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आप जैसे ना व्हाट्सएप पे कोई आया तो आप भी चालू पड़ जाती तेरी ऐसी वैसी, तो इधर वैसा ना करे, फेसबुक मैसेंजर पे कोई आया तो इधर वैसा ना करे ठीक है ये चीज। और दूसरा जैसे फ्रॉड ऑर्डर आया ठीक है तो आप उसको कोई रिस्पांस ना दीजिए, मौका ना दीजिए उसको अपनी तरफ से कि हम गलती कर जाए, पहला रिस्पांस रेट दे देना ताकि रिस्पांस रेट ना आए खराब हो और बस ब्लॉक कर दे रहे हैं, जैसे जैसे कि कोई आपको फाइवर से हटाना चाह रहे कहीं और लेके जाना चाह रहे तो उसमें आप सीधा कह दे मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता ठीक है, आप थोड़ा उसके साथ और लगा के नहीं थोड़ा सा मैं देखते ना कैसे जा सकते हैं क्या कर सकते हैं कैसे करना रहेगा तुम बताओ मुझे ठीक है, आप फाइवर वाले को साथ में होना ठीक है तो लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पर, जज़ाकअल्लाह ठीक है। अच्छा ये कल एक दो चीजें वो हम कल कल कर लेंगे, और दूसरा ये है कि तमाम साथी एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और इसमें से हम चाहेंगे कुछ साथी ऐसे तो सभी एक्टिव रहें और प्रैक्टिस करें, ये हम मेहनत कर रहे हैं बहुत दर्द जिनके साथ मेहनत कर रहे हैं ठीक है, ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान आगे बढ़े, मैं चंदों के बहुत मुखालिफ हूँ, मैं कहता हूँ भीख मांगे मेरा अपना मौकफ है, इस्लाम को भिखारी बना दिया, गली महल्ले चल चल के भीख मांग रहे भीख मांग, गुजरात गए गुजरात कौन कौन गए, जुमा जुमा का दिन किसी ने गुजरात में गुजारा हो, जुमा की नमाज कहीं पढ़ी हो, किसी एक मस्जिद में मुझे बता दो चंदा होता, किसी एक मस्जिद में गुजरात को बता दो चंदा होता, हमारे यहाँ मस्जिद में भी चंदा होता है, फिर मस्जिद से थैलियाँ लेके निकले हैं घर घर पे जो भीख मांगी लोगों को, जुमा का चंदा जुमा का चंदा, दरवाजा बंद रहेगा दस्तक देंगे चिल्लाएंगे बाहर खड़े होके क्या कर रहे हैं इस्लाम के साथ भाई आप ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉप इतना आगे बढ़े। आज गुजरातियों को देखे ना, उनके मदरसे देखे जाके, आप गुजरातियों मदरसे देखे, हमारे यहाँ के मदरसे झोपड़े होते, उनके यहाँ के मदरसे देखे, छोटे छोटे गाँव में जाके देखे, बड़े आलिशान मदरसे। हमारे यहाँ इतना कमरा है ना मदरसे में, तो उसमें 30-40 बच्चे रह रहे होंगे, और उनके आराम से 6-7 बच्चे रहते हैं। फर्स्ट क्लास बेड देंगे, फर्स्ट क्लास जो सारी सर्विसेज बच्चों को देंगे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद भी देखें कि कोई सफ़ीर आपको जो नज़र आ रहा हो, कोई सफ़ीर गुजरात का कोई सफ़ीर आपको साल भर रमज़ान में, रमज़ान के बाद, रमज़ान से पहले, या साल भर कोई सफ़ीर किसी मस्जिद में, किसी जगह पे, किसी के घर पे, किसी के ऑफिस पे नज़र आ रहा हो, स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने अपने आप को इतना, तो आप भी स्ट्रॉन्ग करें। खास कर दें इससे आप अपना भी कमाएं। लेकिन मुझे ये मंजर देखा नहीं जाता, जुमा को निकलो तो जगह जगह पे भाई क्या कर रहे हो ये, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद फिर कौम को सपोर्ट भी कीजिए, कौम को सपोर्ट कीजिए, मिल्लत को सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ने के बाद आप भूल ना जाइए, तो आप मेहनत करें ताकि माहौल बदले, हमारा माहौल बदले, ठीक है। हमारी कौम जो हर जगह पे जो है गरीब 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 कौम, आज हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि ये कपड़ा तो नहीं, लेकिन मैं आमतौर पर जुब्बे ही पहनता हूँ, तो वो जुब्बे के कपड़े जो आमतौर पर मेड इन चाइना होते या मेड इन कोरिया होते। अब आप थोड़ा सा जज करें कि मैं चाइना में जो चप्पी डालना चाहता हूँ जुब्बे के कपड़े, अगर आप हो तो आप इसके लिए जैसे अरब और शमला पहनते हैं ना, रेड कलर का, रेड कलर का। अब मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए ना, आप उसकी चप्पी डाल, चल कौन तैयार है, बोलेंगे कौन खरीदेगा वाला ना, कहाँ से खरीदेगा, कोई आएगा नहीं, कैसे बेचेंगे। अब चाइनीज अगर सोचते तो काम कहाँ होता, चाइनीज सोचते तो, अगर चाइनीज ये सोचते तो अरबों को नंगा रहने पड़ता मेरी ख्याल से ना, उनको जुब्बे मिलते ना सर के शमले मिलते, समझ में आ रहा है। तो रिस्क लेने की हिम्मत उनके अंदर देखिए, कि जैसे कि हम कई कई करोड़ रुपया लगा दिए फैक्ट्री पर, अब बंदा ये सोचे यार मैं जुब्बे बना रहा हूँ, जुब्बे के कपड़े बना रहा हूँ, ये तो पूरे चाइना में मुसलमान भी नहीं पहनते चाइनीज वो कपड़ा, चाइनीज मुसलमान भी नहीं पहनते, यार सेल तो होगी ना, कैसे सेल लाएंगे, है कि नहीं। हम अगर थोड़ी सी चीज़ है ना, मैं आपको कहूँ कि बिस्किट, ये बिस्किट मेरे पास देखा, आप बोलेंगे यार मौलाना कैसे बेचूंगी, हमारे यहाँ बिस्किट चले नहीं चले, तो क्यों मालूम, हमारी तो हमको जानकारी हो गई, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। फ्री मेडिकल कैंप चाहिए इनको, फ्री एजुकेशन चाहिए, फ्री ये चाहिए, फ्री वो चाहिए, तो जो फॉर्म भीख मांगने की आती हो गई हो ना, वो रिस्क नहीं ले सकती, और जब तक कोई रिस्क नहीं ले सकता उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप कमाएं भी, और बाहर वालों के साथ आप जुड़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे काम करते हैं। करोड़ों करोड़ रुपया लॉस में चला जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेते, हम कहते हैं कि यही लॉस हमको आगे लेके जाएगा, यही लॉस आगे लेके जाएगा। और हम एक रुपये का भी अगर किसी से कारोबार करना तो 50 मरतबा सोचते हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कौन जो आगे बढ़े, और भीख मांगने की जो आदत हो गई है हमको, उससे हम निकले, थोड़ा सा माइंड बदले, रहने का अंदाज बदले, सोचने का अंदाज बदले। इसके लिए आप मेहनत करें ताकि कौम बदल सके, ताकि कौम बदल सके। चलिए सही बात है। देखिए कासिम हुसैन, कौन कौन जानता है कासिम हुसैन सर, कासिम हुसैन सालिक भाई है इंट्रोडक्शन आप, आपने बताया था तो मैं फिलहाल फॉलो किया उनको, इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, वो फ्रीलांसिंग के बारे में ही पाकिस्तान में बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। दुबई में भी कासिम हुसैन सर के सॉफ्टवेयर हाउसेज है, पाकिस्तान में भी बंदे थे, ठीक है, बड़ा आदमी, आप फॉलो कीजिएगा फेसबुक, ऐसे लोगों को निकालिए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, ठीक है, उनकी हर पोस्ट आपको काम की मिलेगी, हर पोस्ट काम की मिलेगी। तो बंदा कभी जो स्कूल की पैतरी पे पैर भी रखता है, तो खुद कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी स्कूल की पैतरी पे पैर भी नहीं रखा, वरना बर्बाद हो जाता था, समझो ये चीज़। आज इतना बड़ा आदमी बना है, तो मेहनत लगन आप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कीजिए, कौम को बदलिए।
ये आज में से इंशाल्लाह। और वो सेमिनार कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी तैयारी में भी आप साथ कीजिएगा, अगर कोई काम हो कोई चीज़ हो तो उसके अंदर भी आप सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई फीस रिटर्न करना है, तो फीस रिटर्न करने की जिम्मेदारी जो है अब्दुल्ला फिरदौसी और मुस्तफ़ा वाई की है। ये दोनों साथ में मशवरा करें, जिन जिनको रिटर्न करना है उनको रिटर्न कर दें, और जिनको नहीं रिटर्न करना है उनको बगैर याद के चचा बाबा अम्मी अब्बा ढमका ढमका, ठीक है, ये इसके लिए कि ताकि आगे वालों को वो मिले, कम भी हो, ठीक है। जैसे कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि 142 लोगों ने टेस्ट दिया है फाइवर कोर्स के लिए, और उनमें से जो 22 लोगों का नाम लिया गया पहले बैच के लिए उनकी संख्या आई नहीं आना, तो क्यों आए वहाँ पे? जैसे 7-8 लोगों का हक मारा तुमने, 7-8 लोगों का हक मारा तुमने, क्यों आए वहाँ पे? ये चीज़ तो ये हमारा एक माहौल है। फिर उनमें भी कितने ऐसे थे जो यहाँ पर आए 2-3 दिन आके फिर शॉर्ट हो गए, तो ये माहौल ना हो इसके लिए। तो ठीक है, कोई चाय पिला रहा है, कोई चाइनीज खिला रहा है, तो ऐसे रिश्वत नहीं, ठीक है, समझ गया, सही, जजाक अल्लाह।